Maharaj's dear servant. Madhudaspriyam. Shri Nayana Nath Dasanu Das. Shri Radha Nayana Nath is the name of Srila Bhakti Deita Madhava Goswami Maharaj's Ishtadeva. So Srila Bharati Maharaj is Dasanu Das of Shri Radha Nayana Nath. Bharati Swarupam. Bharati means, Bha means expanding. And Rakti means loving attachment for Sri Radha Nayana Nath, Sri Radha Krishna. So that Rakti of Srila Maharaj is always expanding for Sri Radha Nayana Nath. That is his eternal good. That is always his inclination towards Sri Radha Nayana Nath. Anukulena Guru Vaishnava Seva Anushirana. So Srila Maharaj is always performing favorable service for the pleasure of Sri Guru and Vaishnavas. This is Bhakti Vigyana Saram. This is the essence of Srila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj's teachings. How to always perform loving devotional service towards Guru and Vaishnavas. He used to say that our real Thakur is our Vaishnava Thakur. We don't know really Krishna, we don't know Mahaprabhu. Our direct connection is with the Vaishnavas. So if you are serving the Vaishnavas and Vaishnavas are pleased with you, then this is a very easy way to please Radha and Krishna. So by taking his feet dust on my head today, begging for his causeless mercy, also for the causeless mercy of his near and dearest servants, I pray so that one day I may be able to serve him properly and honor that much he has given to me in such short time, and also if I can continuing honoring also his disciples and his followers and serving them, that would be my great fortune. Hare Krishna. Pancha kalpa purvesya kripasindhu devacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo. Hare Krishna. Aap logo ne Mahavir Maharaj ke shravan kiya. Bahut se log hain angrezi theek se samajh nahi pate ya nahi pati hain. Isliye kyon Maharaj unko pehle de diya? आपके घर में कोई अतिथि आने पर क्या करते हैं? बिना खिलाए तो खिलाते हैं ना, जैसे माता है तो बिना के उनको अतिथि को खिलाएंगी, मतलब अतिथि देव भव। ऐसे ही हमारा गेस्ट है, सर्विस ऑफ गेस्ट इज बेस्ट इधर ईस्ट और वेस्ट। अतिथि है और कितने दूर से आए हैं, उनको सुजग नहीं दिया जाए, उनका भी कुछ फिल्म देखो मैं इतना दूर से आया ये सुजोग नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, इनको पहले क्यों दिया कि आखिर के तरफ उनको दिया जाए तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तीसरा कारण, पहले एनर्जी बहुत रहता है, पहले इसको आप लोग झेल लो बाद में। और चौथा है, माधव प्रभु का इच्छा करें उनको कहने दिया जाए, ये सब कारणों से पहले उनको दिया गया है। और महाराज जी ने बताया, श्री गुरुदेव भी बताते थे उत्तमा भक्ति का डेफिनेशन क्या है, अन्ना विलासिता सुन्ना ज्ञान कर्म धनाविधम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। इस विषय में श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बताते हैं, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। इसमें अनुकूल शब्द क्यों दिया? अनुकूल का शब्द है फेवरेबल, दूसरा अर्थ है जो कृष्ण के सबसे अनुकूल। कौन है? राधा जी का एक नाम है अनुकूल, अनुकूला देवी। कृष्ण राधा जी जैसे कृष्ण के अनुकूल विधान करती है और कोई नहीं कर सकती, इसलिए राधा जी का अनुगत्य में कृष्णानुसरण सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। जो कृष्णानुशीलन पद है, इस विषय में श्री गुरुदेव चार प्रकार अर्थ बताया करते थे।
मतलब पहले कृष्ण अनुशीलन का अर्थ क्या है? पहले सदगुरु के लिए, ये कैसे सदगुरु के हम कृष्ण कहेंगे? आइए हमारे साथ प्रहलाद महाराज चरण में हम अनुगत स्वीकार करते हैं। प्रहलाद महाराज जी ने बताया, जब दूसरे दूसरे बार उनके पिताश्री ने पूछा, बेटा तुम गुरुकुल में क्या सीखा जो अच्छा बताओ, दूसरे बार में बताया, सवनम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सक्षम आत्म निवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्च नव लक्षणा क्रियेत भगवत तद्धा तन मन्ने अधिकम उत्तमम। पहले सवनम कीर्तनम विष्णु, विष्णु का नाम आया, फिर बताया इति पुंसार पिता विष्णु, फिर दोबारा विष्णु का नाम आया, तो निरुक्ति दोष हो जाएगा? बोले नहीं, पहले ये दो विष्णु, एक आश्रय विष्णु यानी सदगुरु, दूसरे हैं विषय विष्णु अर्थात भगवान। ऐसे ही पहले कृष्णानुशीलन, पहले सदगुरु का अनुशीलन होगा, तो पहले कृष्ण गुरुदेव के लिए कृष्णानुशीलन। दूसरे बार जगत में जितने अवतार हो या अवतारी स्वयं आए हो, भगवान राम भी आखिर में अपने भजन के लिए बताया, स्वयं कृष्ण भी जो लीला पुरुषोत्तम अपने भजन के बारे में बताया, महापुरुष स्वयं कृष्ण होकर के भी कभी अपने भजन के लिए नहीं कहा, सबको कृष्ण भजन के लिए उपदेश दिया। ऐसे दूसरे कृष्ण का अर्थ है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ये कृष्ण अनुसरण का अर्थ है श्री कृष्ण चैतन्य, उनका अनुसरण का क्या होगा, यथा यथा गौर पदार बिंदे बिंदे त भक्ति कृत पुण्य राशि तथा तथा हृदय अकस्मा राधा पदम वज सुदाम्बु राशि। इसलोक व्याख्या करने से पहले बताता हूं, गौड़ी का आराध्य कृष्ण नहीं है, गौड़ी का आराध्य है श्रीमती राधिका देवी, गौड़ी और वैष्णव का डायरेक्ट रिलेशन राधा जी के साथ, राधा जी हमारे मिस्ट्रेस है, हमारे मिस्ट्रेस के मिस्टर होने के नाते कृष्ण के साथ संबंध, गौड़ी वैष्णव का निकटतम संबंध राधा जी से, राधा जी के प्राणनाद होने के नाते हमारा दुर्गत संबंध है। ये यथा यथा गौर पदार बिंदे, जितने परिमाण में महाप्रभु के चरण में भक्ति होगी उतने ही परिमाण में ऑटोमेटिक रूप में वही भक्ति राधा जी चरण में प्रकाशित होगा। इसलिए दूसरे कृष्ण का अर्थ है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तीसरा है कृष्ण अनुशीलन, कृष्ण अर्थात ब्रजनंदन श्याम सुंदर उनके अनुशीलन। चौथा श्रीमती राधिका, और जो महाराज ने बताया मैं भी महाराज से श्रीमुख से भारतीय महाराज गोस्वामी श्रीमुख से सुना, अनुकूला राधा जी एक नाम अनुकूला देवी, जो सबसे कृष्ण के अधिक अनुकूल विधान करती है, उनका इस लेक्चर का मेन तात्पर्य था। और मैं जी कृष्ण प्रभु से अनुरोध करता हूँ कि वो श्रीला महाराज से चरण में पुष्पांजलि प्रदान करें श्री जी कृष्ण प्रभु। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पञ्चाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद नित्य लीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ और महाराज जी की भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद हमारे पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ
पूज्य पाद भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। पूज्य पाद भक्ति विधान महावीर महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और पूज्य पाद माधव प्रिय प्रभु जी ब्रह्मचारीगण वैष्णव वैष्णवी माताएं दीदी सभी के चरणों में योग्य प्रणाम करता हूँ। आज बहुत ही शुभ तिथि है और जिनकी तिथि हम मनाने जा रहे हैं नित्य लीला वैष्णव भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी जिन जिन्होंने उनकी कथा सुनी है आप सभी लोग जानते हैं महाराज जी हर दूसरे दिन या तीसरे दिन कहते हैं आज बहुत विशेष तिथि है क्योंकि महाराज जी सभी गुरुवर्गो की तिथि को मनाते थे। उनका बड़ी स्मरण शक्ति थी। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के जितने भी आश्रित जन थे और जितने हमारे गौड़ीय वैष्णव गुरुवर्ग हैं सबकी तिथि को महाराज जी कहीं पर भी हो फरीदाबाद में हो बंबई में हो बेंगलोर में हो पुरी में हो सभी जगह पर गुरुवर्गो की स्मरण करना इनका जीवन था। तो आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं तो सभी गुरुओं की कृपा हमको प्राप्त होगी। जब पहली बार उनकी व्यास पूजा मैंने अटेंड की जगन्नाथपुरी में तो उस समय काफी भक्त लोग आए थे और महाराज जी ने वहां पर बहुत ही सुंदर बात की। महाराज जी थोड़ा अस्वस्थ लीला कर रहे थे। महाराज जी को ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। हम वैष्णव वंदना कर रहे थे गुरु वंदना कर रहे थे और सभी कुछ भक्त लोग आ गए वहां पर गोपीनाथ गौड़ी मठ से हमारे श्री दामोदर गौड़ी मठ से और चैतन्य गौड़ी मठ से। जब सब लोग भक्त लोग आ गए ब्रह्मचारी महाराज विदंती पादगण सब लोग आए तो महाराज जी को धीरे धीरे पकड़ के लेके आए चेयर पे जैसे ही बिठाया और महाराज जी को जैसे ही माइक दिया तो महाराज जी बोले आज इतने सारे वैष्णव जन आए हैं मेरे को आशीर्वाद देने के लिए और मैं अपनी आयु की वजह से वृद्ध आयु हो गई है इसलिए मैं ऊंचे आसन पर बैठा हूँ और जो मेरे को आशीर्वाद देने के लिए आए वो नीचे आसन पर बैठे हैं। करें ये कैसी मैं आशीर्वाद ग्रहण कर रहा हूँ। तो महाराज जी ने कहा परंतु ये कई जगह गुरु वैष्णव ऐसे ही कभी ऊंचे स्थान पर बैठकर भी सेवा ग्रहण करते हैं सेवा लेते हैं। जैसे कि उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण दिया जैसे गरुड़ जी हैं भगवान के वाहन हैं। गरुड़ जी ऊंचे आसन पर रहते हैं और भगवान जी कभी कभी थोड़ा सा उनसे नीचे आसन पर रहते हैं। यशोदा मैया उनकी सेव्य है यशोदा जी परंतु कभी कभी कृष्ण क्या करते हैं कि नारद जी आदि आदि कभी कभी कब के यशोदा मैया उनको कान ऐट की सेवा करती है भगवान की। नंद बाबा की सेवा भगवान कृष्ण कैसे करते हैं नंद बाबा की सेवा भगवान करते हैं कृष्ण कभी सेव्य होने पर भी कभी उनके ड्यूटी को आसन सर पे लेकर सेवा करते हैं। कहते कभी कभी सेवा के लिए उदाहरण देते थे एक बार बहुत सुंदर उदाहरण दिया। कहते एक बार हमारी पार्टी जा रही थी हमारे गुरुदेव ने कहा नियम है गुरुदेव का अनुशीलन करना चाहिए उनके अनुगत्य में रहना चाहिए उनके उनसे बड़ा आसन ग्रहण नहीं करना चाहिए परिक्रमा चलते तो गुरुदेव के पीछे पीछे चलना चाहिए। तो मेरे गुरुपाद पूज्य पाद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने आदेश दिया तुम आगे आगे चलो ठाकुर जी को सर पे लेकर। तो उन्होंने कहा मैं सेवा के उद्देश्य से गुरुदेव का आदेश पालन करने के लिए मैं सबसे आगे गुरुदेव से भी आगे चला। तो कब बोले कि सेवा के लिए कभी कभी ऐसा करना पड़ता है इसमें मेरा कोई जो दृष्टा है वैष्णव क्षमा करेंगे परंतु सेवा के लिए मैं आज ऊंचे आसन पर बैठा हूँ आप लोग मेरे को आशीर्वाद देंगे। तो महाराज की चरणागति सुनिश्चित जो कि हमारा गौड़ी है वैष्णव जगत या चैतन्य महाप्रभु का जो आधारशिला है वो किस पे टिकी है। आचार्य का काम कौन कर सकता है कहते हैं जिसके जो जितने अनुपात में इस श्लोक पर प्रतिष्ठित त्रिनादपि सुनिते तरो रवि सहस्रुना अमानिना मानजे और कीर्तनिया सदा है। महाराज जी भी कहते थे जगत गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने कहा है और हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी आचार्य का काम वही कर सकते हैं जो इस श्लोक पर जितने अनुपात में इसको अनुशीलन करते हैं और प्रतिष्ठित है उतना ही वो आचार्य का काम कर सकते हैं। तो महाराज जी के जीवन देखा बड़े सहज सरल और उनका जीवन गुरु सेवा हो वैष्णव सेवा हो या ठाकुर जी की सेवा हो उन्होंने जीवन में गुरु सेवा के लिए जैसे भी जब भी गुरुदेव का आदेश हुआ उस आदेश लेने पर कुछ बिना आदेश के ही समझ कर
महाराज जी हमेशा बोलते थे सिंसियर डिवोटी कौन है जो गुरुदेव के आदेश से पहले उनकी इच्छा को पूर्ण करे। महाराज जी के बहुत सारे दृष्टांत है, गुरुदेव ने इच्छा मात्र की और उन्होंने तुरंत पूर्ण पूर्ण किया। तो ऐसे ही एक दो स्मरण मैं करता हूँ क्योंकि हमारे बहुत सीनियर वैष्णव जन है, उनकी महिमा को बहुत सुंदर गाएंगे। तो मेरी स्मृति में जो जो बहुत सुंदर सुंदर जो आ रहे हैं तो पॉइंटों को मैं महाराज जी के चरणों में रखकर उनका आदर्श चरित्र उनसे प्रार्थना करते हैं। जैसे उनका जीवन हुआ कभी हम पे भी कृपा करें, हम भी प्राप्त करें। महाराज जी बोलते थे एक उनके गुरुदेव पूज्य बात भक्ति दहित माधव गोस्वामी जी ने एक बार कहा, महाराज जी इस बात को हमेशा कहते थे, कहते मेरे गुरु पादम ने कहा हमारे दो सेव्य हैं एक वैष्णव और विष्णु, परंतु कभी ऐसा आए हमें एक ही ऑप्शन मिले सेवा करने का तो मैं क्या करूंगा वैष्णव सेवा ही करूंगा। और मैं मठ में किस लिए आया, वैष्णव सेवा करने के लिए मैं मठ में आया, विष्णु सेवा तो मैं कहीं पर भी कर सकता हूँ, किसी भी स्थान पर रहकर विष्णु की सेवा हो सकती है, पर वैष्णव सभी स्थान पर होना बड़ा ही दुर्लभ है। तो मैं मठ में किस लिए आया, सिर्फ वैष्णव सेवा करने के लिए, और मैं यदि दो में से एक को चुनना पड़े तो मैं वैष्णव सेवा ही चुनूंगा, और वैष्णव सेवा के लिए मुझे ऋण भी लेना पड़े यदि मेरे अर्थ का अभाव हुआ किसी प्रकार से, और मेरे को ऋण लेना पड़े तो मैं ऋण लेकर वैष्णव सेवा करूंगा, और उस ऋण को चुकाने के लिए मेरे पुनर्जन्म लेना पड़े फिर मैं पुनर्जन्म में आगे दोबारा ऋण लेकर वैष्णव सेवा करूंगा। वैष्णव सेवा ही हमारा जीवन है, कहते मेरे गुरुदेव ये कहते थे और मैंने इसको जीवन में अपनाया। और महाराज जी भी देखो जीवन में कितनी गुरु थी, पहले गुरु सेवा उनके बारे में सुनेंगे, फिर वैष्णव सेवा और फिर ठाकुर जी की सेवा। एक बार नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, गुरुदेव ने इच्छा की, नरसिंह चतुर्दशी है और महाराज जी कहां थे कलकत्ता में, महाराज जी ने उनके गुरुपाद भक्ति दहित माधव गोस्वामी महाराज ने इच्छा की कि हम लोग पारण करेंगे नरसिंह भगवान की खीर से, और खीर कहां मिलेगी, नवदीप धाम में नरसिंह पल्ली है ना वहां पर खीर मिलेगी, और महाराज जी कहां पर है कलकत्ता में, सभी लोगों का लिखला व्रत है। पर इतनी इच्छा की तो किसी ने तो बोला महाराज जी इतना दूर है संभव भी नहीं है आना जाना, फिर महाराज जी को जैसे ही कान में बड़े गुरुदेव का आदेश है हम नरसिंह पल्ली से भगवान की खीर से ही पारण करेंगे, तो महाराज जी तुरंत गए और वहां कलकत्ता से ट्रेन को पकड़ा और वहां पर लकड़ी चावल खीर चीनी आदि आदि को संग्रह करके वहां पर खीर बनाई और ठाकुर जी को भोग लगाया, और क्या व्रत क्या है निजला व्रत है। तुरंत वापस गए, शाम को भगवान का अभिषेक हो रहा था, और अभिषेक होने पर भी उस समय महाराज जी जब सबने प्रसाद पा लिया था महाराज जी के लिए प्रसाद भी नहीं बचा था शेष हो गया था। तो जब महाराज जी को जब मठ संचालक ने कहा महाराज जी क्षमा कीजिए अभी सभी प्रसाद खत्म हो गया, तो महाराज जी ने बड़ी दीनतापूर्वक बोला तुम्हारी मेरे पर विशेष कृपा होगी, मैं निजला व्रत को रहता नहीं, मैं बहुत ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म लिया, मैं मेरे को हट्टा काटा शरीर है, मैं भूखा रह नहीं सकता, पर तुमने क्या किया किसी तरह से प्रसाद नहीं हुआ था आज मेरा निजला व्रत हो गया। तो महाराज क्या गुरुदेव की भी आज्ञा और गुरुदेव की आज्ञा पर जो कष्ट हुआ वैष्णव को भी, कैसे महाराज जी कैसे उनकी भक्तता थी कैसे उनकी सेवा की वृत्ति थी। और ऐसे नहीं वैष्णव सेवा कैसे की जाती है, गुरु सेवा तो बहुत सारे उदाहरण है जो वोल्केनिक एनर्जी में हम पढ़ेंगे, कितने सारे उदाहरण है, सिर्फ मैं एक एक उदाहरण लेकर यहाँ पर उनके चरण पुष्पांजलि भी दे रहा हूँ। वैष्णव सेवा कैसे की जाती है, जब चैतन्य गौड़ीय मठ बना वृंदावन वाला तो गुरुदेव ने पूज्य भक्ति दहित माधव गोस्वामी महाराज जी का वैष्णव सेवा में बड़ा ही योगदान है, बहुत उनका नाम है वैष्णव भक्त, इस सेवा में वो बहुत ही आग्रह करते थे। तो उन्होंने कहा जितने भी कृपा जी के आश्रित हैं सबको बुला के ट्रेन में आमंत्रण दो, निमंत्रण उनको लेके आओ। तो सीनियर वैष्णव होते नियम होता है सिर्फ उनको निमंत्रण ही दिया जाता, उनको वहां से सम्मान पूर्वक लाया जाता है, अटेंड किया जाता है, फिर सम्मान पूर्वक सेवा पूर्वक विदा किया जाता है। तो महाराज जी ट्रेन का टिकट ही उनको लेने गए नवदीप धाम से, और जब लेके आए तो सभी जन कृपा जी जितने भी आते जन सबका ट्रेन में टिकट कराया, पर भक्ति गोस्वामी महाराज जी का टिकट उस समय एक टिकट कम पड़ रहा था, वो महाराज जी का टिकट था पूज्य भारती महाराज जी का टिकट। तो उन्होंने क्या किया समझ गए अगर मैं खड़ा रहूंगा कोई वैष्णव नहीं चाहेंगे कि मैं अपनी सीट दे दूं, सेवा भी बड़ी चतुराई से और बड़ी सिंसियर रूप में करनी पड़ती है, कैसे करनी है बहुत सारे धारणे महाराज जी के। तो महाराज जी ने कहा महाराज
महाराज जी बोले नित्य निरंतर भक्ति है अगर गोस्वामी महाराज जी बोले मेरी सीट कौन सी है महाराज जी ने अपनी सीट दिया महाराज जी आपकी सीट यही है अभी महाराज जी क्या करेंगे महाराज जी दूसरे कोच में चलेंगे सोचते वहीं नीचे सोऊंगा तो कहेंगे आपकी सीट कहाँ है सेवा भी नहीं लेंगे तो ऐसे कितने उदाहरण है महाराज सीखने के लिए तो महाराज जी दूसरे कोच में जाकर नीचे सो गए पता भी लगने दिया महाराज जी हमेशा बोलते थे कि हमें वैष्णव सेवा करनी है एक हाथ से सेवा करनी है तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए यही सेवा है ऐसे बहुत सारे उदाहरण एक बार क्या हुआ दो ब्रह्मचारी आपस में क्या हुआ उनके पास धोती नहीं थी धोती के लिए वो लड़ रहे थे किसी कारण बस महाराज जी जैसे इसने पूरा डांट लगाते थे तो महाराज जी ने डांट लगाई तो महाराज जी के हाथों से ले गई धोती और उस ब्रह्मचारी की धोती नहीं है तो महाराज जी ने एक दूसरे ब्रह्मचारी को बोला इनको इनको धोती दे देना और मेरा नाम नहीं लेना ऐसे बहुत प्रकार के उदाहरण महाराज जी के जीवन में कैसे गुरु सेवा की जाती है कैसे वैष्णव सेवा चैतन्य गौड़ का निर्माण हो या कितने भी जब चैतन्य गौड़ निर्माण हुआ महाराज जी ने अपने सर में सीमेंट को ढोकर बदरपुर आदि आदि को ढोकर कैसे रक्षा की बहुत सुंदर उदाहरण है बारिश हो गई महाराज जी कलंक लेटे हुए थे नवदीप में देखो कैसी बारिश होती है एक भगवान की सेवा के लिए मठ की सेवा के लिए सीमेंट भीग जाएगा सारा खराब हो जाएगा महाराज जी ने क्या किया कलंक पे सोए थे पलंग के नीचे को सीमेंट सारा सीमेंट कर दिया और उसको पोलोथीन में ढक दिया और पूरी रात भीगते हुए उनकी सेवा की ऐसे गुरुवर को भी उन्होंने बहुत सेवा की हर प्रकार से और मेरे को कुछ उनके व्यक्तिगत संस्मरण है एक बार 2011 में हम रथ यात्रा में गए थे और रथ यात्रा में जब गए थे महाराज जी का अस्वस्थ लीला कर रहे थे बहुत ज्यादा आयु भी हो गई है तो रथ यात्रा निकलती है ना चैतन्य बोलो तो वहां पर सामने ही पड़ता है तो महाराज जी बहुत प्रयास जिद करने लगे मैं बाहर जाके दर्शन करूंगा पर मठ के सामने इतनी भीड़ होती है आप जानते रथ यात्रा निकलते कितनी भीड़ होती है और उस समय क्या हुआ जो मठ के सामने एक व्यक्ति भी निकलना जवान व्यक्ति का निकलना मुश्किल है पर महाराज जी समय जिद करने लगे मैं थोड़ा मेरे को रथ का दर्शन करा दो तो भक्त लोगों ने क्या किया महाराज जी टीवी पर रथ यात्रा आ रही है आप टीवी पर देख लीजिए देखो जगन्नाथ जी का रथ बलदेव सुभद्रा जी और यहाँ से देखो महाराज बोले यहाँ से तो दिखता है महाराज जी बोले मेरे को यहाँ से दिख नहीं रहा मेरे की आँख महाराज ऐसे ऐसे बहाना लगाने लगे कि मेरे को जाना ही है बहुत आग्रह करने पर भी सभी सेवकों से बोला तो महाराज जी ने कहा ठीक है एक काम करो महाराज जी हम जाएंगे 2 मिनट में आपको ले आएंगे महाराज जी को चेयर पे ही बिठा के लेके गए और महाराज जी बोले कि ठीक है पहला जो रथ आएगा वही दर्शन कराएंगे महाराज जी बहुत भीड़ है आप जन इतने भक्त लोग हैं आपको कुछ भी हो सकता है बहुत ज्यादा प्रेशर है हमारे जवान जो ब्रह्मचारी वो भी सहन नहीं कर पा रहे महाराज बोले ठीक है थोड़ी देर के लिए ले चलो और बलदेव जी का रथ को प्रणाम करके मैं आ जाऊंगा तो जैसे ही महाराज जी गए देखो महाराज जी हर जगह महाराज जी कितने चतुराई से सेवा करते थे और कैसे महाराज जी के अंदर कितनी भगवान की दर्शन करने का कितना आग्रह था जब लेके गए बहुत ज्यादा भीड़ है तो ब्रह्मचारियों ने क्या किया चारों तरफ से घेरे डाला और घेरे डालने के बाद बहुत धक्का मुक्का बार बार महाराज जी की चेयर पे लोग गिर रहे थे फिर जब बलदेव जी का रथ आया तो आप जानते ही हैं पूरा सारा इधर भी चैतन्य गवर्नमेंट की तरफ प्रेशर आया इधर भी प्रेशर आया और महाराज जी को बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा महाराज जी सब लोगों ने कहा वहां पर महाराज जी आपके लिए हो गया प्रणाम कहने नहीं अभी तो अभी आया नहीं यहाँ तक आने दो आने दो तो महाराज जी बोले महाराज जी आप तो बलदेव जगन्नाथ जी का रथ आएगा ना तो आप नहीं रखेंगे बहुत ज्यादा रथ से आपको जाने पड़ेगा बोले हाँ ठीक है देखेंगे जैसे ही बलदेव जी का रथ आया और निकला बहुत मुश्किल से महाराज ने प्रणाम किया स्तुति करने लगे धीरे धीरे करके जब स्तुति किया महाराज जी चलो अभी चलो तो महाराज जी बोले देखो सुभद्रा जी का रथ देखो पास में आ गया बिल्कुल पास में देखो दिखाई तो सुभद्रा जी का आ जाएगा और फिर चलते तो जैसे ही सुभद्रा जी का रथ आया फिर दोबारा भक्तों को बड़ा कष्ट हुआ महाराज जी के कारण महाराज जी को कहीं कुछ हो ना जाए धक्का मुक्की महाराज जी की शेयर में तो जैसे सुभद्रा का रथ आया महाराज जी से अभी मेरे को जान अब रुकने नहीं देंगे महाराज जी की इच्छा थी जगन्नाथ जी का रथ क्योंकि चैतन्य महाप्रभु गौड़े वैष्णव जन जगन्नाथ जी के दर्शन करे बलदेव जी गुरु तपस्वी को प्रणाम करते हैं सुभद्रा जी योग माया और फल क्या है जगन्नाथ जी अगर फल नहीं मिला तो फिर क्या यदि भी वो तो उस जगत के उनको मानसिक रूप से कहीं भी बैठे स्मरण कर सकते हैं तो शिक्षा दे कैसी कंटा होनी चाहिए ठाकुर की सेवा के लिए तो उन्होंने क्या किया सुभद्रा जी का जब रथ निकला तो सब भक्तों महाराज जी अभी चलना पड़ेगा अभी नहीं होगा जगन्नाथ जी के आगे इतने हमने बड़ी मुश्किल से 2 रथ निकाल दिए जगन्नाथ जी के रथ गए बहुत भीड़ है देखो महाराज जी बोले बड़ी चतुराई से बोले सुभद्रा जी का साथी का नाम पता है
शांति का नाम। हाँ महाराज जी बोले किसी तरह से भक्तों का मन लगा रहे थे, मेरे को परेशान ना करें। बोले सुभद्रा जो रथ है ना बलदेव जी का रथ के सारथी का नाम और बलदेव जी की सीढ़ी कितनी है, इनका क्या अर्थ है, ऐसे ऐसे करके महाराज जी कथा सुनाने लगे सबको। और जब कथा सुनाते सुनाते जगन्नाथ जी का रथ आ गया, बोले महाराज जी चलो चलो जगन्नाथ जी का रथ आ गया। बोले आ तो गया अभी क्या दो मिनट बस। जैसे जगन्नाथ जी का रथ आया और महाराज जी ने जगन्नाथ जी की स्तुति की, दर्शन किया और बहुत सुंदर कथा महाराज जी ने शाम को सुनाई कि हमारे नित्यलीला भक्ति प्रमोदपुरी गुरु जी महाराज कैसे दर्शन करते थे और चैतन्य महापुरुष रथ के आगे कैसे दर्शन करते, बड़ी सुंदर उन्होंने जगन्नाथ जी कैसे उनको कट्टा दी गुरु वैष्णव सेवा में और भगवान की सेवा में। मैंने समय ज्यादा ले लिया, हम लोग सेवा करेंगे, महाराज जी से प्रार्थना करते हैं हमारे गुरु वैष्णव सेवा में ऐसी उत्कंठा हो और ऐसी सिंसियरिटी, ऐसे ही हमें योग्यता हो, हम भी कभी सेवा की इच्छा हमारे अंदर जगह कर पाए। पंच कल्पत रूप से कृपा से बोलते हैं कि नाम का गुरु वैष्णव का नाम। अरे इतना सुंदर कथा, जोर से ताली बजाओ। कोई भी वक्ता बोलेंगे उस उत्साह वर्धन के लिए ताली आप लोग बजाएंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और ये डेस्टिनी बदलता है। इससे आप लोगों ने अब तक जित कृष्ण प्रभु से श्रवण किया, कैसे श्री भारती गोस्वामी महाराज वैष्णव सेवा के आदर्श थे, मैं एक उदाहरण देता हूं जो खुद मुझे बताया था। एक बार हम लोग गुरुदेव के साथ, मैं भी था और हमारे मठ के ब्रह्मचारी श्री भारती गोस्वामी महाराज और मठों के थे, हम लोग थे साउथ इंडिया में श्री वैभव पुरी गोस्वामी महाराज के डिट इंस्टॉलेशन सेरेमनी में, जो सीनियर वैष्णव सबके लिए मैं ही रसी बनाता था 14-15 लोग के लिए। तब श्री भारती गोस्वामी पता चला गुरु जी की इच्छा है, उसके बाद आके रौदिया अटेंड करना है। महाराज कुछ नहीं बोले, मुझे जरूरी काम जाना है। उनका रिजर्व टिकट था श्री गुरुदेव के व्यवस्था करने के लिए, क्या किया जनरल टिकट से साउथ इंडिया जगन्नाथपुरी आए। उस समय तो मठ में खचाखच भरा हुआ है, अब इनको न्यू गेस्ट हाउस अभी था नहीं उस समय, ये तो कुछ साल पहले बना, अपने कमरा खाली कर दिया, खाली दूसरी जगह में चले गए। उधर उनसे कमरे में अटैच बाथरूम है, गुरु जी का असुविधा ना हो। वो डॉक्टर जब गुरु जी आए बोले भाई ये कमरा, बोला आपका मैनेज कमरा उधर है, हम तो जानते नहीं उनका कौन सा कमरा है क्या है। गुरु जी जानने तक नहीं दिया कि अपने कमरा खाली करके गुरुदेव को दिया। बाद में महाराज जी मुझे बताया था, मुझे अपने बेटा जैसा स्नेह करते थे हर लिए से, क्यों वही जानते हैं। देखिए कैसे वैष्णव सही परिपाटी है, ऐसे किया जी को बहुत सुंदर सुंदर रूप में सुनाया। ऐसे वैष्णव सेवा क्यों छाड़िया, वैष्णव सेवा निस्तार पे छे के बाद, वैष्णव सेवा छोड़ करके जगत से आई तो किसी का निस्तार न हुआ न होगा। हम लोग जितने सब लोग हैं जगत में, हम लोग वी आर लिविंग बिटवीन हिस्ट्री एंड मिस्ट्री, व्हाट हैपेंड इट बिकेम हिस्ट्री, व्हाट गोइंग टू हैपन इट बिकेम मिस्ट्री, जो हो गया उसको हिस्ट्री, जो होने वाला मिस्ट्री, दोनों के बीच में हम लोग हैं। कोई भी हो वैष्णव सेवा छोड़ के कोई जगत से उद्धार नहीं हुआ तो हम गुरु सेवा नहीं करेंगे। ये हमारे नरहरी सरकार ठाकुर ने बताया, वैष्णव एव गुरु, वैष्णव मात्र ही गुरु है। समस्त वैष्णव के पास हमारे कुछ शिक्षणीय विषय है और गुरु सेवा साधक का, ये साधक की स्वाभाविक प्रवृत्ति गुरु सेवा करना, वैष्णव सेवा करना स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं, इसलिए बताया वैष्णव सेवा पहले। ये महाराज जी ये सब करते थे इसलिए इस वैष्णव सेवा में प्रसन्न होकर के उनके गुरुदेव श्री भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज को सेवा की ग्रह का टाइटल से विभूषित किया था। इसी के कारण ऐसे ही श्री गुरुदेव महाराज केशव जी गौड़ी और मथुरा में पहले इतना ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं थी, कोई भी आते मथुरा में रहते और गुरुदेव सब कितनी सुंदर सेवा करते, सब लोग जाकर के परम गुरुदेव से कहते श्री नारायण महाराज के कारण हमारा दर्शन सुंदर हुआ, रहने का बहुत सुंदर व्यवस्था हुआ, हमारे जैसे परम मित्र हैं। गुरुदेव के ये सब सुन करके परम गुरुदेव गुरु जी को भक्ति बांधव टाइटल दिया था।
वो लोग अपने आप प्रसन्न होकर देते हैं, इसलिए सेवा विग्रह टाइटल उनसे दिया था। अब मैं हमारे बीच में वर्तमान है श्रील महाराज के निजी सेवक, उनका नाम नरोत्तम प्रभु। ये नरोत्तम महाराज का पहला नाम क्या था? नरोत्तम था ना, देखो अपने सेवक के नाम नरोत्तम है। और महाराज जी को लोबिन लोबिन नाम से पुकारते थे। एक बार मुझे शिकायत कर रहे हैं ये चैतन्य गौड़ीय मठ में पुरी में, बोले महाराज देखिए तो मेरा नाम नरोत्तम है और महाराज जी को नवीन नवीन करते हैं। तो महाराज जी सारथी भाई ने कहा देखो ये मैं अपने प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, जो महाराज अपने मुख से कहा बता रहा हूँ। देखो ये जो नवीन माधव जी का नाम नवीन था, ये ऐसे गुरु सेवा के ऐसे सेवक बिरले हैं, मिलता नहीं, इसी के कारण तुम्हें नवीन नाम से पुकारता हूँ। तो नरोत्तम आनंद प्रभु, नरोत्तम हमारे बीच में वर्तमान है, मैंने बहुत सेवा किया है, मैं नरोत्तम प्रभु से अनुरोध करता हूँ श्री महाराज के चरण में पुष्पांजलि प्रदान करें श्री नरोत्तम प्रभु। माइक दे दो उनको। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयमरूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरु पाद पद्म नेत्रिका प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, नेत्रिका प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ ताकि मेरा उनकी किसी ना किसी दिन उनके चरणों में प्रणाम मैं कर पाऊँ, क्योंकि सब माधव पे प्रभु ने हमें बताया प्रणाम किसे कहते हैं। जैसे गल वस्त्र कृतांजलि वैष्णवानी कटे तंते तिरंगड़ी दाड़ा एवं निष्कपटे, कि गल वस्त्र कृतांजलि, गल वस्त्र हम क्यों धारण करते हैं गले में, ऐसे बोला गया गल वस्त्र जब प्रणाम करना होता है तो क्या गले में गल वस्त्र धारण करते हैं, और हाथों को जोड़कर कृत अंजलि हाथों को जोड़कर प्रणाम किया जाता है, और दांतों में तिनका रखकर दो चीज हम करते हैं, गले में गल वस्त्र पहनते हैं और हाथों को जोड़ते हैं। तो क्या जब हम प्रणाम करते हैं दांतों में तिनका रखते हैं, प्रणाम करते समय कोई रखता नहीं, उसका तात्पर्य क्या है? गल वस्त्र अर्थात मैं आपके सामने अपनी कुछ मांगने के लिए आपके पास आया हूँ, और जो आप गुरुदेव गुरुवर हमें देंगे उसको रखने के लिए कोई स्थान भी चाहिए, इसलिए अपने गले में कपड़ा लेकर आया हूँ ताकि जो आप देंगे इस कपड़े में मैं लेकर जाऊंगा। इस तरह का भिक्षुक बनकर मैं आपके सामने आया हूँ। पर हाथ क्या जोड़ता हूँ? हाथ इसलिए जोड़ता हूँ कि मैं जोर जबरदस्ती आपसे कुछ भी नहीं ले सकता हूँ इच्छा करके भी, इसलिए जब तक आप कृपा नहीं करेंगे अपनी इच्छा अपनी प्रसन्नता से मुझे कुछ नहीं देंगे, मैं आपसे कुछ भी नहीं ले सकता हूँ। ये उसका दूसरा अर्थ है। और दंते तृणा करी, दंते तृणा करनी था घास, जो पशु होता है वो क्या करता है? घास खाता है, अपने दांतों में तिनके खाता है, उनके दांतों में तिनके होते हैं। इस तरह मैं कैसा हूँ? मैं पशु की तरह निर्बोध हूँ, जैसे पशु सब समय आहार निद्रा भय मैथुन इन चार कार्य में लिप्त रहते हैं, मैं मनुष्य जन्म पाकर भी उसी कार्य में लिप्त हूँ। इसी कारण इसी भावना से इसी दीनता से इसी विचार को मन में रखकर हमें क्या करना चाहिए? गुरु जी के चरणों में वैष्णव के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, और भी निष्कपट होकर के। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहरी रूप से कपड़े पहन लिए और तिलक लगा लिए हम प्रणाम करेंगे, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है। इसलिए वैसी भावना तो अभी मेरे में आई नहीं, ना दीनता आई है ना गुरु चरणों में ऐसी प्रीति हुई है। इसी कारण मैं अपने गुरु वर्गों से प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम मेरे हृदय में प्रणाम करने की
इच्छा जाग उठे इसी प्रार्थना से उनके चरणों में मैं इसी आशा से मैं क्या करता हूँ उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ और मेरे शिक्षा गुरुदेव नित्य निरंतर प्रवेश श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी मेरा किसी दिन प्रणाम हो जाए इसी के लिए उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ क्योंकि श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की कथाएं सुनने से भी मेरे को बहुत सारे विषय जो कि महाराज से सुनता था वो समझ आते नहीं थे क्योंकि और इनकी कथाएं सुनने से क्या होता मुझे और भी क्लियर हो जाता था उसको सुनने से मेरे को मेरे बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते थे इसी कारण इनके हृदय में भी मेरे को अपने गुरु जी वाली भावनाएं जागती है इसी कारण इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और साथ में यहाँ उपस्थित हो सकता क्रम भंग ना ले पे मोर अपराधे इसलिए सबसे पहले श्री श्री भक्ति वेदांत माधव महाराज जी श्रीपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज श्रीपाद भक्ति वेदांत महावीर महाराज श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु संजय प्रभु नीत प्रभु और समस्त उपस्थित वैष्णव वैष्णव के चरणों में मैं अपना यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। आज हमारे महाराज जी का आविर्भाव तिथि है जब पुरी में 2015 में महाराज जी की व्यास पूजा हुई तो उस समय महाराज जी ने अपना प्रवचन कैसे शुरू किया बोला आज अनंत का उत्सव है। महाराज बोले अपने जन्मदिन पे कोई वैष्णव बोलता है खुद ही कि आज अनंत का उत्सव है किस कारण से बोलता हूं मैं आज अनंत का उत्सव है क्योंकि आज मेरा प्रथम जन्म और मेरा तृतीय जन्म एक ही दिन में हुआ था अर्थात ब्राह्मणों का प्रथम जन्म पहले माँ के गर्भ से दूसरा जन्म उपनयन संस्कार और तीसरा जन्म होता है दीक्षा इसी कारण महाराज जी का जो आविर्भाव वो भी शयन एकादशी को है उनका तृतीय जन्म अर्थात महाराज जी ने जब अपने गुरु जी से हरिनाम दीक्षा ली वो भी शयन एकादशी वाले दिन ही ली थी रास बिहारी एवेन्यू में कोलकाता में 1956 में। इसी कारण महाराज बोलते हैं कि आज आनंद का उत्सव है आज आनंद का तिथि है मेरे लिए क्योंकि इस दिन मुझे अपने गुरु पाद पद्म का आश्रय मिला था और वो कहते थे महाराज जी कि वैष्णव जगत में आशीर्वाद देना सिर पे हाथ रखना और आशीर्वाद और प्रणाम करना दोनों ही एक समान है जैसे उन्होंने बोला कि दास्य भक्त के शांत रस के भक्त सब कृष्ण की सेवा करते हैं और अगर कृष्ण उनकी सेवा ना ग्रहण करें तो क्या होगा वो सेवा कर नहीं पाएंगे इसलिए कृष्ण क्या करते हैं उनकी सेवा ग्रहण करके उनकी सेवा करते हैं क्यों उनकी सेवा ग्रहण नहीं करेंगे तो अप्रसन्न होंगे जो सेवा क्या कृष्ण के इसी तरह कृष्ण भी अपने भक्तों की सेवा करते हैं और कृष्ण भक्त भी कृष्ण की सेवा करते हैं इसलिए महाराज सब समय बोलते थे भगवान कौन है भक्त भक्तिमान और भक्त भगवान भक्तिमान इसलिए इस जो अपराध जगत में सेवा से सब कुछ है कुछ लोग कैसे आशीर्वाद करके सेवा करते हैं कुछ लोग आशीर्वाद लेकर सेवा करते हैं इसी तरह ही आज मेरी तिथि में मेरे गुरु पाद पद्म अनेक रूपों से मेरे सामने मेरे को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं और इसी तरह वो चाहते हैं कि मैं ऊपर बैठू ऊपर बैठ के कथा बोलूं मेरे को क्योंकि भगवान की कथा और भगवान अभिन्न है इसलिए मेरे को कथा में नियुक्त करने के लिए अर्जुन ने क्या किया खुद स्वयं बैठे और मुझे ऊपर बिठाकर कथा करने के लिए बोल रहे हैं इसी कारण उसी बुद्धि से जब मेरे गुरु पाद पद्म मेरी सेवा ग्रहण करने के लिए आए हैं तो कौन मूर्ख है जाएगा ही वहां पे उनकी सेवा ग्रहण उनको सेवा करने के लिए इसी तरह ही महाराज बोलते थे आज क्या हो रहा है इन सबको देख करके मुझे पुनः पुनः अपने गुरु की याद जब मैं साक्षात रूप से उनकी सेवा करता था उनका स्मरण होता है कैसे कहते ऐसे आज मेरे गुरुदेव अनेक रूपों से मेरे सामने आकर मेरे को फिर से उसी भगवान की सेवा में मुझे नियुक्त कर रहे हैं जब मेरे साक्षात उनका दर्शन करता था तब क्या करते थे मेरे कहते गुरु जी ने मुझे 24 घंटे ऐसे सेवा में लगाकर रखा कभी भी मौका मिला नहीं विषय चिंता करूं मैं कैसे अगर मैं हैदराबाद से अभी महाराज कलकत्ता पहुंचे हैं और महाराज जी का नियम था कि वो जो टिकट करेंगे देख दो के टिकट करते थे जैसे उस समय अगर हैदराबाद से कलकत्ता तक टिकट करेंगे उसका भी एक ही प्राइस है अगर वो नकदी पर टिकट कर लेंगे तो उसका भी एक ही प्राइस है तो महाराज जी ने क्या किया टिकट नवदीप का कर ली और जैसे महाराज कलकत्ता से हैदराबाद से कलकत्ता पहुंचे
उनको देखते ही परम निर्वाह साथ साथ अभी नवदीप चले जाओ, मायापुर चले जाओ, वहां कोई विशेष कार्य है, तुम्हारा जी भी सब समय रेडी है। उसी ने उन्होंने अपना टिकट तो थी और साथ साथ वहां पे कहते उदाहरण प्रभु थे, वो हमें माता की तरह स्नेह करते थे, प्रभुपाद शिष्य, उन्होंने कह दिया साथ साथ मुझे क्या, ये रबड़ी है रोटी है फटाफट तुम खा लो और क्या करो फिर जाना तुम, इस तरह मुझे खिला कर उन्होंने भेजा। कहते इस तरह हमारे परम गुरु हमेशा हमें सब समय कार्य में रेडी रखा, व्यस्त रखा। और जब कोलकाता में थे 1966 में, उस समय ब्रजमंडल परिक्रमा होगी, 18 कैंप लगाकर ब्रजमंडल परिक्रमा होती थी, तो उस समय परम गुरु ने बोला कलकत्ता मठ, उस समय किराए पे रहते थे और इधर कलकत्ता मठ जहाँ पे अभी बिगड़े हैं वो बन रहा था सतीश मुखर्जी रोड पे, तो उस समय परम गुरु जी बोल रहे हमारे महाराज को कि मेरे सारे गुरु भाई एक एक करके जा रहे हैं, तो बिगड़े मठ जो जो मंदिर का प्रवेश है मुझे ठाकुर जी को नए मंदिर में लाना है, जो गृह प्रवेश है हमें बहुत शीघ्र करना पड़ेगा, अगर मेरे सारे गुरु भाई चल जाएंगे तो किसको लेकर मैं मंदिर का जो इनोग्रेशन करूंगा मैं, इसलिए हमें कार्य जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो महाराज बोला कोई चिंता नहीं, अपने गुरु जी को बोल रहे महाराज कोई चिंता नहीं महाराज सब कार्य टाइम पर हो जाएगा। तो बोला कि क्या तुम मेरे साथ ब्रजमंडल परिक्रमा जा पाओगे, परम गुरु जी बोल रहे हैं। महाराज बोलते मेरा जाना समीचीन होगा नहीं, क्योंकि अगर जाऊंगा तो फिर समय पे कार्य नहीं कर पाऊंगा अपना मैं, ऐसा बोल के परम गुरु जी हाँ ठीक है तुम अपना कार्य करो, ऐसा बोल के परम गुरु जी अपने जहाँ कराए का सर्विंद्र तो भी किराए के मठ में ही है तो वहां चले गए। और रात को 11:30 बजे हमारे परम गुरु जी का एक पत्र आ गया कि आपको मेरे साथ अवश्य ही जाना पड़ेगा ब्रजमंडल परिक्रमा में। क्यों? क्योंकि हरि कथा तो मैं भी बोल सकता हूँ, हरि कीर्तन मैं भी कर सकता हूँ और बहुत सारे और लोग भी हैं, जैसे ठाकुर दास प्रभु हैं इधर, और भी एक दो हमारे नाम लिए दंडी महाराज हैं, इधर सब प्रभुपाद शिष्य हैं, वो कर लेंगे, लेकिन यात्रियों को संभालेगा कौन, यात्रियों को संभालेगा कौन, उसका सारा भार तो मेरे ऊपर आ जाएगा, इस कारण तुम्हें मेरे पास जाना पड़ेगा। महाराज बोल रहे हैं हमारे गुरु जी श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज कहते उनको छोड़ के जाऊंगे जहाँ पे, उनको तुम कार्य संभाल देना, जो करेंगे करेंगे लेकिन तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। तो उससे महाराज जी बोलते हैं तो क्या गुरु जी को सेवकों का भाव है, तो क्या मेरे से ही सेवा, मैं ही सेवा, मैं ऐसा बड़ा होगा कि मैं गुरु जी की सेवा मैं अगर जाऊंगा नहीं गुरु जी का कार्य होगा नहीं, क्योंकि मैं आलस हूँ, ऐसा महाराज जी अपने आचरण से शिक्षा देते हैं अपनी कथाएं सुनाकर कि मैं आलस हूँ, मेरा इच्छा नहीं है वहां जाने की, इस कारण गुरु जी क्या करते हैं जबरदस्ती मेरे को क्या करते हैं सेवा में लग जाए, इसका आलस ही ना बने, इच्छा मेरी नहीं है, जबरदस्ती क्या करते हैं बहाना, ऐसे बहाना बनाकर कि नहीं नहीं मेरा सेवा कौन करेगा वहां पे, मेरे को कौन देखेगा वहां पे, सारा भार मेरे ऊपर आ जाएगा, इसी कारण क्या करते हैं मेरे को वहां ले गए। इसी कारण जब वापिस आए देखा कोई कार्य हुआ नहीं, क्योंकि हमारे गुरु जी तो कहते उस कार्य में ज्यादा अभिज्ञता नहीं थी, जैसे बिल्डिंग बनाने की, लोगों से डील करनी, क्योंकि डिटेल बहुत लंबी है, किसी ने पैसे ले लिए एडवांस में और मार्बल दिया नहीं और ऊपर से वो मान नहीं रहा, तो फिर महाराज ने क्या किया एक नकली ब्रह्मचारी को एक नकली पोस्टमैन बना दिया, उसके मठ के जो इन्विटेशन कार्ड था उसी में ही उसको नोटिस भेज दिया, क्योंकि अगर ऐसे डायरेक्ट भेजेंगे नोटिस लेगा नहीं कहते वो, इसलिए मठ के कार्ड में डाल के नोटिस भेज दिया, साइन भी कर दिया उसके ऊपर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इस तरह उसको जब्त कर दिया और उससे सारा काम करवाया। तो इस तरह हमारा बोलते जब वापिस आया तो सारा कार्य किया, तो इस तरह मेरे कहते हैं मेरे को परम गुरु ने, मेरे गुरु जी ने मेरे को सेवा विग्रह और सदा सतर्क की उपाधि दी थी। क्यों? महाराज जी ने बोला कि परम गुरु ने बोला तू मायापुर जाओ किसी कार्य के लिए, तो फिर हमारे को नहीं नहीं मैं जाऊंगा नहीं, अगर जाऊंगा तो पीछे से तीन चोरी हो जाएंगे, तो परम गुरु जी बोले इतने सारे ब्रह्मचारी हैं तीन कैसे चोरी हो जाएगा, बाकी बिल्डिंग बनता नहीं। महाराज बोला ये सब वॉलंटियर, ये सब वॉलंटियर हैं अभी ये सब, इसलिए अगर आप बोलते हैं मैं चला जाऊंगा मुझे सुविधा नहीं है, तो परम गुरु जी हाँ जाओ तुम कोई चिंता नहीं। जब वापिस आए तो हजमे में तीन चोरी हो गए, तो इस कारण ये देखकर परम हमारे परम गुरु जी 1966 में ही, क्योंकि उसी साल में ही जनवरी में कलकत्ता मठ का इनॉग्रेशन हुआ था, उसी साल 1966 में जब गौर पूर्णिमा हुई तब श्री भक्ति सरस्वत गिरी महाराज जी के थ्रू हमारे परम गुरु जी ने हमको आशीर्वाद दिया, सेवा विग्रह सदा सतर्क ऑलवेज रेडी
चिकित्सक उपदेशक इस तरह बहुत सारे उनको आर्टिकल महाराज जी को उन्होंने टाइटल्स दिए। उपदेशक कैसे थे महाराज, जैसे अभी हर साल हमारे परम गुरु जी का नियम था कि सार्वभौम में जहाँ प्रभुपाद जी का मठ है वही प्रभुपाद जी लास्ट अपनी विजिट की थी आसाम में 1936 में, और वहां जब लोगों की श्रद्धा देखी कि लोगों का साधु पे कितना विश्वास है, प्रभुपाद ने बोला मैं प्रत्येक वर्ष सार्वभौम में आऊंगा, आसाम में एक सिटी का नाम है। तो उसके बाद 1936 के बाद प्रभुपाद जी प्रकट हो गए, तो वहीं पर हमारे परम गुरु जी ने प्रभुपाद जी का विग्रह स्थापना किया। तो परम गुरु जी बोला विग्रह रूप से प्रभुपाद सब समय यहाँ पे उपस्थित होंगे, इसी कारण हमारे परम गुरु जी हमारे प्रभुपाद जी का आविर्भाव महोत्सव हमेशा सार्वभौम में बनाते थे। तो अभी इधर जब पुरी में प्रभुपाद जी का आविर्भाव स्थान ले लिया तो उस समय मिलने के भाव संभावना की मिल जाएगा, तो उस समय अभी निश्चित नहीं हुआ कि अभी आविर्भाव कर पाएंगे कि ना कर पाएंगे पुरी में, इसलिए अभी उधर भी कार्ड छपने हैं सार्वभौम में, तो कार्ड पे क्या नाम लिखेंगे, परम गुरु जी आ रहे कि नहीं आ रहे हमारे श्री भक्ति देव माधव गोस्वामी महाराज जी। तो हमारे परम गुरु जी का नियम था कि सबको पूछेंगे वो कि तुम्हारा क्या विचार है, तुम क्या कहते हो, क्योंकि इस पे भी हमारे जब बृहद भागवत अमृत हम पढ़ रहे थे तो उस समय कृष्ण जो है उद्धव को पूछते हैं कि तुम बताओ मुझे मैं क्या करूं, ब्रजवासियों की जो बात चली उससे सब जब नारद ऋषि आए द्वारिका में, उस समय अंतपुर में कृष्ण थे सब बाहर बैठे थे, तो उससे बहुत लंबा वृत्तांत है। जब कृष्ण ने उस समय उद्धव से पूछा कि तुम बताओ मैं क्या करूं अभी क्या ना करूं, तो उस समय ये बात बोली थी कि कृष्ण कैसा पूछा, उद्धव जी ने ये नहीं बोला हाँ तुम आप ये करो, उद्धव जी कह रहे हैं कि आप सब जानते ही हैं लेकिन आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन तब भी यदि आप मेरे को सेवा भाव देना चाहते हैं तो इसलिए बताना हूं। इसलिए परम गुरु सबको जानते हैं, वे भी अपने शिष्य को पूछकर ही उनसे सब कुछ करवाते थे। उस समय हमारे महाराज जी ने बोला कि अब अलग अलग महाराज जी परम गुरु शिष्य अलग अलग बोला, तो महाराज ने बोला कि आप ऐसा लिख दीजिए, ऐसा नहीं बोला हमारे परम एक और नियम था कि जब तक कोई पूछेगा नहीं उनसे हमारे महाराज उत्तर देंगे नहीं, परम गुरु सबको पूछ रहे हैं तो महाराज को बोलते तो आप क्यों नहीं बोलते, कहते आपने मुझसे पूछा ही नहीं मैं कैसे बोलूं आपको, ठीक है तुम बताओ, तो ठीक है कार्ड में ये लिखेंगे कि आपके दिशा निर्देश में सार्वभौम में उत्सव का आयोजन किया जाएगा, तो दिशा निर्देश आप वहां जाकर भी दे सकते हैं और यहाँ बैठकर भी दे सकते हैं, इसलिए ये कहते हाँ ये ठीक है ये तुम लिखो। इसी कारण महाराज जी कौन थे, उपदेशक भी थे हमारे परम गुरु जी के। इस तरह बातें बहुत और भी बहुत सारी मन में थी लेकिन मैंने क्या क्या बोल दिया पता नहीं, क्योंकि जब माधव महाराज जी जब बोला हमारे महाराज बोलते थे माधव जी को देखो श्री नारायण महाराज के पास भी एक नवीन था मेरे पास भी एक नवीन है, ये महाराज ने बोला एक बार। और एक बार जब 14 सेक्टर में पहली बार तो नहीं, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग माधव महाराज ब्रजनाथ प्रभु मिलने के लिए महाराज जी को आए, उस समय महाराज जी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो उस समय महाराज जी ने बोला माधव महाराज जी को बार बार आप कह के बुला रहे थे, तो माधव महाराज ने बोला कि आप मुझे आप कह के क्यों बुलाते हैं, पहले तो तुम कह के बुलाते थे अभी आप कह के क्यों बुलाते हो, महाराज बोला क्योंकि आप आचार्य बन गए हो अभी क्यों, इसलिए आपको आप कहना पड़ेगा। फिर महाराज ने वहां दृष्टांत दिया कि संत गोस्वामी महाराज तो बच्चे थे हमारे परम गुरु जी के सामने, लेकिन जब वो आचार्य बन गए संत गोस्वामी महाराज तब हमारे परम गुरु जी हमेशा उनको आप कह के बुलाया था, इसे आचार्य बनने के बाद उनको आचार्य उचित सम्मान देना चाहिए। बस एक बात और बोलूंगा फिर शेष कर दूंगा, एक बार माधव महाराज की पादुका लेकर आए थे विदेश से कोलकाता में, जब आए थे एक बार मिलने के लिए सतीश मुखर्जी रोड में, तो पादुका थोड़ी सी पीछे से टाइट थी तो महाराज पहनते थे उनको लगती थी, तो मैंने क्या किया उसको जगह से नई पादुका ले आया, वो पादुका उठा के मैंने किसी को दे दी, वो एक भक्त बार बार मांग रहा था मुझे पूजा के लिए चाहिए, तो मैंने उसको उठाकर किसी को दे दिया, तो मानो एक बार अलमारी खोल रहे था तो नहीं देखा होगा पादुका कहाँ गई, पहले पादुका अलमारी में पड़ी थी तो पादुका कहाँ गई, वो मैं बोला किसको दे दी मैंने, तो फिर उनको खूब डांट लगाई, एक वैष्णव हमें समान एक तुम किसी वस्तु का मूल्य जानते नहीं, एक वैष्णव हमें एक पादुका दिया है तुमने उसको किसको और दे दिया, इसके लिए मुझे बहुत डांटा।
तो मैंने बोला महाराज मैं पादर को वापिस ले आऊंगा वो बलिंगी से मांग के। इस तरह कैसे हमारे परम गुरु जैसे जब श्री भक्त लोग परम महाराज जी ने वो तो आए नहीं उनके आविर्भाव पे उन्होंने एक वस्त्र भेजा जो कि हमारे परम गुरु जी के घुटनों तक आता था वो बस इतना छोटा वस्त्र भेजा। यद्यपि उनके जो सेवक थे मदन प्रभु उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे वस्त्र रंग करके रखे थे लेकिन जब श्री भक्त लोग परमहंस महाराज जी का वस्त्र मिला हमारे परम गुरु जी कहते हैं यही पहनना है क्योंकि घुटनों तक ऊंचा था तभी वही पहना क्योंकि ये कौन सी है वस्तु का मूल्य नहीं है किसने वस्तु दी है उस वस्तु की उसका मूल्य है। इसी कारण ये सब विचार हमारे महाराज जी हमें बताते थे। जस्ट लास्ट बार एक बार हमारे कैसे गुरुवर्ग हमारे महाराज सूक्ष्मदर्शी थे और कैसे उनका प्रीति थी अपने गुरुवर्गों के प्रति। महाराज जी एक बार मैंने पहले भी बहुत बार बोला ये कलकत्ता में एक अलमारी है हमारे के रूम में लकड़ी की तो वो जगमोहन प्रभु जी की अलमारी है प्रभुपाद जी के शिष्य की। तो रात को 10 बजे का टाइम था महाराज जी उसमें मूढ़ी खाते हैं तो माधव प्रिय गुरु उनके साथ खड़े थे और मैं ऐसे ही जमीन पर लेटा हुआ था थोड़ा थका हुआ फील कर रहा था तो मैंने अपना पैर उस अलमारी के ऊपर रख के ऐसे रेस्ट कर रहा था। महाराज खाते खाते बोल रहे तुम ही अपराधी जैसे महाप्रभु ने वस्त्र दिया जब इनको प्रतापपुत्र महाराज को उन्होंने कैसे पूजन किया उनका साक्षात महाप्रभु के रूप में उनका पूजन किया। और यही बात महाराज जी ने हमारे जब गोवर्धन में हमारे श्री भक्ति नारायण गुरु महाराज जी की पुष्प समाधि हुई थी तब उन्होंने यही बात वहां पे बोली थी कि पुष्प समाधि और मूल समाधि में कोई भेद नहीं है वो भी श्री नारायण स्वामी महाराज से अभिन्न है। उसी विचार से वैष्णव से संबंधी हर एक वस्तु क्या हमारी पूजनीय है उसको पैर लगा के कभी भी असमान करने से क्या होता है हमारा अपराध होता है। इस तरह ये सारी बातें महाराज ने हमें बताई। और जब उनके कमरे में जब वैष्णव लोग आते थे उनके मैंने क्या किया उनके कमरे में चटाई होती थी मैंने पैर से उसको खोल दिया तो महाराज बोलते हैं ए मुंडा ए रकम कर भी ना कहना एखने वैष्णव बस पे वैष्णव जेखने बस पे तुम्हें ओखाने की पादी हो गए यदि पादी है जी कोई नाड़ देगी एजन वैष्णव का कैसे सम्मान करना वैष्णव की कैसे सेवा करनी है ये सब बातें वो बताते थे मुझे। और उनका क्या एक बात जस्ट लास्ट बोलूंगा फिर खत्म कर दूंगा। एक महाराज ने बोला था कि अमार हृदय संपत्ति तुम्हें पावे कहनो कैसे जैसे मैं जब चैतन्य गौड़िया मठ में था ये सिर्फ महाराज की महिमा के लिए बोल रहा हूं तो इसको किसी दोषारोप में मत ले ले। जब मैं महाराज की सेवा में था आना चाहता था तो कुछ लोगों ने बोला तुम महाराज की सेवा में जाओगे जब महाराज प्रकट हो जाएंगे तो तुम्हें कौन देखेगा। लेकिन महाराज के जाने के बाद क्या हुआ मुझे इतना अच्छा संग मिला वैष्णव का और महाराज की हृदय वार्ता क्या थी यही जो श्री भक्तिवेदांत नारायण गुरु स्वामी महाराज देना चाहते थे। हम कौन है राधा जी की पाले दासी बनने हमारा परम उद्देश्य है उसको कैसे प्राप्त करना है ये सारे विचार अगर मैं महाराज के साथ ना होता महाराज जी के साथ रहने के कारण यहाँ पे आया। महाराज जी हालांकि महाराज जी ये सब बातें बोलते थे लेकिन अभी यहाँ पे क्योंकि श्री भक्तिवेदांत नारायण गुरु स्वामी महाराज ने उन बातों का विपुल रूप से प्रचार किया उससे क्या हुआ जब महाराज कथाएं सुनता हूँ वो सारी की सारी बातें मुझे समझ आती है कि महाराज जी तो वही बातें बोल रहे हैं जो श्री भक्तिवेदांत नारायण गुरु स्वामी महाराज जी बोलते महाराज जी इंगित रूप से बोलते थे और श्री भक्तिवेदांत नारायण गुरु स्वामी महाराज जी उसको ओपनली खुलेआम बड़े अच्छे ढंग से समझाते थे। इसी तरह ही कि महाराज जी की स्वभाव में विभावित थे सब समय क्या वो चाहते थे वो सारी बातें महाराज जी के कारण मुझे ऐसा संग मिला उसी संग से क्या हुआ उनके हृदय की वार्ता को थोड़ा बहुत समझ पाता हूँ कि महाराज जी क्या किस भाव में विभावित थे। क्योंकि एक बार जब मैंने महाराज जी किसी विदेश की कोई माता थी उसको नाम देना था मैंने बोला महाराज जीवरा नाम दे दो उसको जीवरा नाम दे दो तो मैंने बोल दिया उसका नाम दो कलावती कन्या। ये नाम सुनते महाराज एकदम गंभीर हो गए कलावती कन्या एकदम सुन के महाराज एकदम गंभीर हो गए राधा रानी का सुन के। और मैंने देखा महाराज जी को महाराज सुबह सुबह उठ के जब उस समय मैं अकेला ही सेवा करता था 9 या 10 11 में तो सुबह सुबह उठ के महाराज देखा मैंने राधा सहस्त्र नेम उठ के ऊंची ऊंची उसका गान करते थे
क्योंकि महाराज 3 बजे उठ जाते थे, 3 बजे उठते सार ही उनका मालिश मुनिश करके 6 बजे तक महाराज आनी बुनी करके एकदम रेडी हो जाते थे। उनका कमरा भी साफ हो गया, उनका आनी की भी हो गया, सब कुछ रेडी हो गया, 6 बजे तक महाराज जी का सब कुछ हो जाता था। उसके बाद महाराज ने क्या करना देखा, मैंने राधा सहस्त्र नाम ऊंची ऊंची पढ़ रहे थे महाराज, ये बोल के मैं बातें बहुत बोलता जा रहा हूँ। हरे कृष्ण वंशा कल करो हरे कृष्णा। देखिए कोई सदगुरु की सेवा करने पर कितने सुंदर रूप में वर्णन कर रहे हैं। जब श्रील भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज पहले बोलता ठीक है इधर रहो, फिर वह नहीं तुम्हारे परिक्रमा आना ही पड़ेगा, तो श्रील भारती गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं आलसी हूँ तुम ये सेवा में लगाने के लिए ऐसे कहा। क्या सचमुच आलसी थे? पता ही नहीं, ऐसे क्यों का ये स्वाभाविक दीनता है। श्रील महाराज जी उनके भजन में लिखा हुआ है एक उपदेश में, जो जितने उच्च संग करेगा उतने ही स्वाभाविक रूप में दीन भाव आएगा। ये जो स्थायी दीनता है किसी मैकेनिकल प्रोसेस से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, स्वाभाविक दीनता इसलिए कह रहे हैं। और मेरे बारे में ये बताया जूता के बारे में, जब मैं विदेश प्रचार में था उस समय हमारे भक्ति किंकर दामोदर महाराज और मधुसूदन महाराज चैतन्य गौड़ वो भी हमारे साथ एक साथ हमारा क्लास था, तब मेरा जूता देख के वो लोग मुझे बताया था, अभी साइज बता, जो साइज बताया था वही तो यूरोप में मिलेगा नहीं, ये जूता केवल अमेरिका में ही मिलता है। फिर मैं ऑर्डर दे के मंगवाया था, ये मेरा दुर्भाग्य है कि उस साइज में फिट नहीं हुआ मुझे, और एक साइज बड़ा बोले बड़ा साइज मंगवा देता मैं। और जो बताया मुझे पहले तुम कहते आप बोलना शुरू किया, जब मैं बताया महाराज जी आप क्यों कहते हैं, तो तुम आचार्य हो गया, मैं बता आचार्य हो जो भी हो बेटो तो आप लोगों का हो ना, तो फिर भी महाराज जी आप बोलते, कभी तुम बोलते फिर भी आप बोलते। अब मैं श्री श्रीधर माई से अनुरोध करता हूँ, बहुत लोग समय नहीं है ना, सिद्धर माई का नाम पहले रसानंद था और आप लोग को रस भी पिलाएंगे आनंद भी देंगे। श्री सिद्धर महाराज स्टैंड चाहिए कि हैंड में पकड़ेंगे, ये स्टैंड वाला ये ले लीजिए। हरि बोल हरि कृष्ण, इसको नीचे से टिका। हरे कृष्ण। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमयं विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नमयं विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। नमयं विष्णुपादाय कृष्ण श्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी के नामिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद स्तोत्र शत श्री 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 माधुभक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ।
तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सदा श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज नितलीला प्रविष्ट सुल भक्ति विज्ञान श्रील भारती गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्रील भक्ति वेदांत श्रील माधव महाराज श्री महावीर महाराज अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवी सभी के चरण में मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन है क्योंकि आज है बड़ा शुभ तिथि है। जो लोग चातुर्मास से पालन करते हैं कुछ लोग तो एकादशी से ही शुरू करते हैं और कुछ लोग पूर्णिमा से ही शुरू करते हैं। इसलिए आज का जो दिन है वो शयन एकादशी है। आज ठाकुर जी शयन करेंगे और आज ही ये शुभ तिथि को उपलक्ष करते हुए हमारे श्रील भक्ति विज्ञान भारत गोस्वामी महाराज ने इसी धराधार में आविर्भूत हुए। कहते ये एकादशी है क्या चीज, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना, क्या कहते हैं, बोले माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर बारी शोध भक्त चरण रेणु भजन आनो कोला। इसलिए ये जो माधव तिथि है विशेष करके उनको गुरु जी का नाम भी श्रील भक्ति दैत्य श्रील माधव गोस्वामी महाराज, इसलिए कहती है माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन कर। इसलिए माधव तिथि को जतन पूर्वक पालन करनी चाहिए। इसलिए जो जिस तिथि को ये ले करके जगत में आविर्भूत हुए हैं इससे ही पता चलता है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, अच्छे तिथि में महाप्रभु जी इसलिए महाराज जी ने आविर्भूत हुए हैं। और विशेष करके इनका जो ब्रह्मचारी का नाम था, क्या नाम था, नरतम। इसलिए नाम भी उन्होंने उनका नाम नरतम दिया है, जो नर में जो उत्तम है उनका नाम भी। और इनका संन्यास का नाम क्या है, बोले भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज। कहते इसका मतलब क्या है, ये भक्ति विज्ञान मतलब क्या होता है। इसलिए भागवत में बताए बोले ज्ञानम में परम भूयम जत विज्ञान समन्वितम सह रहस्यंच तदगंच गृहाणम गदितमय। जिस समय ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से सृष्टि हुए, जब उन्होंने ब्रह्मा जी ने तपस्या की तब भगवान स्वयं कहते हैं ब्रह्मा जी मेरे तेरे को ज्ञानों में परम गुह्यम, कहते मैं केवल ज्ञान प्रदान नहीं कर रहा हूँ, ज्ञान कब है जब कृष्ण अकेला हो, लेकिन वो विज्ञान कब होता है जब उनको साथ में श्री किशोरी जी हो, श्री राधा रानी हो, तभी वो विज्ञान है। इसलिए इनका नाम केवल केवल इनका नाम भारत नहीं भक्ति विज्ञान। ज्ञानों में परम गृहम तत् ज्ञानों में परम गृहम जत विज्ञान समन्वितम सह रहस्यंच तदगंच। कहते उसका रहस्य मतलब जब भक्ति है, तदगंच मतलब कृष्ण तो है ही सुंदर, लेकिन उनके पास में जब श्री राधा रानी होना ये और परम सुंदर होते हैं, लेकिन उनको साथ में जब ये ललिता विशाखा और रूपमंजरी रतिमंजरी हो तदगंच, अंग मतलब राधा रानी के जो प्रकाश है, ये ब्रज गोपियां जब होना फिर तो कृष्ण विशेष विशेष पूर्वक कृष्ण की सुंदरता बढ़ती है। इसलिए महाराज जी का नाम भी भक्ति विज्ञान, ये साधारण ज्ञान नहीं, ये भक्ति विज्ञान, ये भारती है। नाम क्या बोले भारती, भा मतलब क्या होता है, भा मतलब होता है प्रकाश, भा मतलब होता है प्रकाश। इसलिए प्रकाश में जो रहते हैं, बोले भैया ये प्रकाश क्या है, कहते ना हम लोग जो व्रत करते ऊर्जा व्रत करते हैं, ऊर्जा मतलब होता है प्रकाश। हम कहते ना भर्गो देवस्य, भर्गो देवस्य, भर्ग मतलब होता है तेज। इसलिए तेज कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी,
जो श्री राधा रानी में ही रत है, भारती, इसलिए जो राधा रानी में ही जिनकी रत है, कहते हैं श्री भारत महाराज। बोले श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की। इसलिए आप अभी अभी इनकी बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुन रहे थे। भागवत में माता कुंती कहती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत से भी रेत मान मधुमा, कहते कृष्ण का जिसको अंदर में ये चार गुण हो, चार गुण का बाती छोड़ दो, जिसको अंदर में एक भी गुण आ जाए ना, इतना भजन नहीं करेगा, उतना भक्ति नहीं करेगा। अगर जिसको अंदर में चार गुण आ जाए तो कोई भक्ति कर ही नहीं सकता है। वो चार गुण क्या है? बोले जन्म ऐश्वर्य श्रुत और श्री, ये चार गुण है। चार गुण में एक गुण आ जाए भक्ति भजन नहीं करेगा, बड़ा घमंडता आ जाती है। लेकिन हम देखते हैं हमारे श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के अंदर में ये चार गुण परिपूर्ण रूप में, ये परिपूर्ण रूप में, जैसे जन्म है। कहते श्रील महाराज जी कौन सा जाति में जन्म हुए? बोलो, ब्राह्मण कुल में जन्म हुए। ये ब्राह्मण कुल में साधारण व्यक्ति जन्म ग्रहण नहीं करते हैं, ये वर्णा नाम ब्राह्मण गुरु है। भगवान स्वयं कहते नमः ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमः नमः। भगवान भी जिनके चरण की पूजा करते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ जन्म है, कहते महाराज जी ये ब्राह्मण घर में महाराज जी जन्म ग्रहण करते हैं। बोले दूसरा जो है जन्म ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब अपना प्रकाश है, पैसा है। कहते महाराज जी अंतिम समय में, आप लोग अभी अभी श्रवण कर रहे थे, उन्होंने अंतिम समय में अपना ऐश्वर्य को उन्होंने प्रकाश कर दिया है। क्यों? सारा जीवन उन्होंने वैष्णव, अब आप श्रवण कर रहे थे ना, उनको क्या उपाधि मिला था? सेवा विग्रह, इनका नाम। इसलिए कितना सेवा करते थे, एक समय मंदिर में कहीं सेवक में लड़ाई हो गई। जब सेवक में लड़ाई हो गई किसी कारण से, सेवक ने स्ट्राइक कर दिया, हम कोई सेवा नहीं करेंगे। लेकिन श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज बोले, अरे भैया अगर कोई सेवा नहीं करोगे ना, सारे सेवा नहीं करता, तुम लोगों को कुछ भी सेवा करने का जरूरत नहीं। अकेले ठाकुर जी का अर्चन करना, अकेले मार्केटिंग करना, अकेले रोसई करना, अकेले सबको प्रसाद खिलाना, अकेले जगह साफ करना, सारे सेवा महाराज जी करना शुरू कर दिया। सबके सब उन्होंने सेवा करना शुरू कर दिया, इनकी सेवा देख करके फिर सबके सब सेवक अपनी आप सेवा करना शुरू कर दिया। देखो हमारे जो ब्रह्मचारी लोग हैं, देखो भैया कितना सेवन मुखे ही जुहा दो स्वयं में बस स्फुरत तथा। मैंने भी अपना मंदिर में देखा, जो जितने गुरु वैष्णव का सेवा किया है ना, मैंने देखा है जो जितने जी जान दे करके, मेरे गुरुदेव जो कह रहे थे, मेरे गुरुदेव भक्ति श्री सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज, ज्यादा उन्होंने जो जोर देते थे सेवा, शास्त्र ग्रंथ में जितने जोर देते थे, मैंने देखा हमारे गुरु जी में, हमारे मठ में गुरु जी ने ज्यादा उन्होंने सेवा की प्रकाश किया है। सेवा की, अपना हाथों में फूल की माला बनाना, ठाकुर को सेवा करना, हमारा मंदिर में जाओ एकदम एकदम पूरा नीट एंड क्लीन मिलेगा, ज्यादा मेरे गुरुदेव सेवा की ही महत्व देते थे। बोलते थे देखो ब्रह्मचारी लोग विशेष करके बोलते थे, ये शास्त्र भी तुम्हें रक्षा करने वाला नहीं, ये श्लोक शास्त्र भी रक्षा करने वाला नहीं, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य जो जीवन है, हम जो जाजर कर रहे हो आपको पता होगा कितना कठिन है ये जीवन। मेरे गुरु जी कहते थे केवल ये ब्रह्मचर्य जीवन तभी बीत सकता है जो जितने 24 घंटा में 24 घंटा जो हर समय ठाकुर को सेवा में अगर लग रहा, क्योंकि जब सेवा में तुम्हारी उसमें तुम्हारी भावना रहेगी, मन डूबा रहेगा, फिर आप ये माया प्रति तुम्हारी मन नहीं जाएगा, माया प्रति मन नहीं जाएगा। इसलिए हमारे अजामिल भी बहुत सारे बड़े ज्ञानी भी था, लेकिन एक बार उन्होंने किसी शूद्र शूद्राणी को मिलते हुए देखा, सारे खत्म हो गई उसकी, जाकर को बेस्या को साथ में रहने लग गया। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे, भैया जो जितने बोले सेवन मुखे जो आ दो स्वयं में स्फुरत, जो जितने सेवन मुखी होकर के 24 घंटा गुरु वैष्णव भगवान की सेवा में लग रहेंगे, मेरे गुरुदेव कहते तो वही केवल माया से बच सकते हैं,
नहीं तो दैवी जैसा गुणमयी मम माया दुरतया, ये माया को जितना साधारण बात नहीं। इसलिए ब्रह्मचारी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोई अगर एक सेवा कर दिया ना, अगर कोई दूसरे सेवा के लिए बोले मैंने सेवा किया ना, मैंने ये सेवा किया है ना, ठाकुर को पूजा किया, फिर हमें रसोई बनाना पड़ जाएगा, फिर हमें मंदिर साफ करना पड़ेगा, हम नहीं करेंगे अभी सेवा। हम कभी कभी गिड़ गिड़ कर सेवा करते हैं। देखो एक व्यक्ति संसार में दिन रात कितना 8 घंटा 10 घंटा नौकरी करता है, घर में आते ही बीवी की गाली, बोले अभी तक सब्जी नहीं लाए, बच्चे को ट्यूशन कराना है, स्कूल भेजना, तो व्यक्ति करता है कि नहीं बताओ? दिन भर 24 घंटा गर्धवर मंत्री करी परिश्रम, कार लादी एक करी ना भूल गर्दे जैसे दिन भर परिश्रम करते हैं। इसलिए मेरे गुरु जी कहते थे भैया पूरा जी जान को गुरु वैष्णव भगवान की सेवा में लगाओ, जो जितने सेवा करेगा ना, इसलिए कहते ना ना अयम आत्मा प्रवचने न लब्ध न मेधया न बहु न श्रुतेना जमे वैस वृणुते तन लब्ध तसै से आत्मा विभ्रणित तनुषा। भगवान अपना जो ब्रह्म ज्ञान को तत्व ज्ञान को किसको प्रदान करते हैं, किसको प्रदान करेंगे, जिसके अंदर में ये सेवा की भावना न अयम आत्मा प्रवचन के द्वारा नहीं, ज्ञान को द्वारा नहीं, किसी को द्वारा नहीं। जब हम सेवन मुखी वृत्ति होंगे, भगवान जब अपने ज्ञान को देना चाहेंगे तभी वो ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं, और यह चीज तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब निष्कपट होकर के बोले सेवा करेंगे और कुछ नहीं। इसलिए हमारे भक्ति विज्ञान भारतीय गोस्वामी महाराज जी बंदर ने इसलिए कहना उनको गुरु जी ने उपाय किया सेवा विग्रह। जब कोई गुरु जी किसको पर संतुष्ट होकर के अगर ये कोई टाइटल देता है सेवा विग्रह, जब गुरु जी संतुष्ट होंगे मतलब क्या है, जब गुरु जी ये चीज दिया मतलब भगवान अपने आप उसको पर संतुष्ट हो गए हैं, उसको पर अपने आप भगवान संतुष्ट हो गए। गुरु जी हमने भगवान को नहीं देखा, हमने अभी गुरु जी को हम देख रहे हैं। अगर गुरु जी अगर हमारे ऊपर संतुष्ट हो गए ना, भगवान अपने आप ठाकुर जी संतुष्ट हो गए। अगर गुरु जी संतुष्ट नहीं हुए फिर तो भगवान कैसे संतुष्ट होंगे। एक समय हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कभी नवद्वीप मठ में सारे सेवक बैठे हुए थे, तब एक समय उन्होंने प्रश्न किया है आप लोग बताओ भक्ति का डेफिनेशन क्या है। सब ब्रह्मचारी सन्यास को पूछे, अभी सभी खड़े होकर के कोई अनुकुल कृष्णा अनुशीलन बोल रहे थे, कोई बोल रहे थे अनन्य ममता भक्ति ममता प्रेम संगता, कोई बोल रहे थे तरह तरह का बात कर रहे थे। लेकिन जब हमारे श्री सज्जन सेवक, इसका नाम था आपको पता है सज्जन सेवक, इसका नाम था भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी आए, इनका नाम उनको गुरुदेव ने सज्जन सेवक नाम रखा। क्यों सेवक का वो सज्जन थे। जब ये सज्जन सेवक का नंबर आया बोले सज्जन सेवक तुम बता भक्ति का डेफिनेशन क्या। देखो उन्होंने क्या बताया, बोले गुरुदेव अभी तो हमने भगवान को दिखा है, भक्ति क्या जानते, लेकिन अगर हमारी सेवा से है, अगर हमारी सेवा से अभी हम गुरु जी को देख रहे हैं, अगर हमारी सेवा से अगर गुरु जी संतुष्ट हो गए बस हम समझेंगे हमारी भक्ति करना सार्थक था, हमारी भक्ति करना सार्थकता हो गया। जब उन्होंने बताई गुरु जी की प्रसन्नता में भगवान बस बोले तुमने सही बताया, भक्ति का डेफिनेशन है तुमने सही बताया। इसलिए इनका जो सेवा विग्रह नाम किसने दिया है, श्रील भक्ति दैत्य श्रील माधव गोस्वामी महाराज इनको सेवा विग्रह नाम देते हैं। अगर गुरुदेव अगर संतुष्ट हो गए समझे सब कुछ काम हो गया, सब कुछ काम बन गया। इसलिए कहते जन्म ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब ऐश्वर्य, इसलिए इनकी लास्ट में इतना ऐश्वर्य प्रकाश कैसे हुआ है, क्यों हुआ, बोले गुरु जी वैष्णव जो उन्होंने सेवा की है वो वैष्णव गुरु जी जो कृपा इनको ऊपर हुई तभी ये सारे शास्त्र को है। कहते जन्म वैष्णव जस्य देवे परा भक्ति जथा देवे तथा गुरु, गुरु जी की कृपा से ही अंतिम समय में आप लोगों ने देखा उन्होंने किया ऐश्वर्य। वैसे दिन ज्यादा दिन लास्ट में ज्यादा दिन आचार्य का काम नहीं किए, उन्होंने थोड़ी दिन केवल आचार्य का काम किए और देखो कितने उनके अच्छे अच्छे कितने भक्त और कितने ऐश्वर्य, और देखो यहाँ पर कैसे उनकी जन्मतिथि सारा जिस समय हमारे कार्तिक महीना में जब हम लोग चले गए गोवर्धन में एक समय बोल रहे थे गुरु जी का समय में जितने अंग्रेजी लोग होते थे ना हमारे गोपीनाथ गौरी मठ में जितने अंग्रेजी लोग होते थे, बोले उतना अंग्रेजी लोग
सारे को सारे गुरु जी का समय में जितने भक्त होते थे उतना भक्त आकर के वहां पर कथा सुनते थे, इसलिए उन्होंने लास्ट में उन्होंने ऐश्वर्य उन्होंने प्रकाश किया जन्म ऐश्वर्य। तीसरा श्रुत, श्रुत मतलब होता है ज्ञान है, श्रुत मतलब होता है ज्ञान। आप लोग अभी अभी श्रवण कर रहे थे इनके ज्ञान के विषय में, अलग अलग भक्त लोग कितने अच्छे अच्छी बात बोल रहे थे। जब श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज ये इनको पास में जब कोई आता था इनको प्रश्न उत्तर करते थे, इनसे प्रश्न करते थे, जो प्रश्न का उत्तर था वो दे पाते थे। कहते थे गुरु जी से हमने वैष्णव से हमने जितने कथा सुनी मैंने तुमको सुना दिया, अगर कोई विशेष बात सुनना चाहते हो इसको पास में जाओ, इसके पास में जाओ। और बोलते थे खुद ये भक्ति विज्ञान श्रील भारती गोस्वामी महाराज के पास में जाओ, वो तुम्हारी शंकाओं को समाधान करेंगे। लास्ट में वो उनके पास में भेजते थे, इनको अंदर में इतने ज्ञान थी अंदर में, इसलिए हमारे भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जब श्री रूप गोस्वामी की वहां पर होती दिखती थी, मैं ही अभी भी सेवा करता हूँ, इसलिए सारे गौरी मठ में गुरुदेव सार एक एक नाम ले लेके गुरुदेव बोलते थे, ये महाराज को निमंत्रण करना, ये महाराज को निमंत्रण करना, इसी महाराज को विशेष करके महाराज भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज को प्रति विशेष विशेष रूप गुरुदेव कहते थे जरूर उनको निमंत्रण करना। और उनको सभापति पद रूप में अच्छे पद में गुरुदेव इनको विभूषित करते थे, क्योंकि हमारे महाराज का एक विशेष गुण था जो जितने अच्छे हरि कथा बोले ना गुरुदेव उसको उतना ही प्यार करते थे। इसलिए गुरुदेव तो हरि कथा की भंडार है गुरुदेव हमारे, लेकिन होने पर भी हमारे गुरु जी के अंदर में ये एक विशेषत्व था जो जितने अच्छे हरि कथा बोले जितने रूप गोस्वामी की विचार सिद्धांत तत्व दर्शन के ऊपर बोले गुरुदेव उतना ही खुश होते थे। हमारे गुरु जी के अंदर भी ये विशेष था सुनने का बड़ी, लेकिन मैं दूसरे दूसरे गौरिया बैठे में देखा खुद बोलने के लिए किसको चांस नहीं देंगे, खुद बोलने के लिए तत्पर होते हैं, लेकिन हमारी महाराज के अंदर में हमने एक विशेषत्व देखा दूसरों को बोलने के लिए ज्यादा चांस देते थे। और लास्ट में जब गुरुदेव बोलते थे सब बोलने के बाद गुरुदेव बोलते थे लेकिन सबसे थोड़ी सी बोलेंगे, लेकिन एक नया सिद्धांत एक नई सिद्धांत बोलते थे, एकदम नई विचार गुरुदेव बोलते थे। इसलिए गुरुदेव बोलते थे सब बड़े बड़े व्यक्तियों को निमंत्रण दो, बोले क्यों, गुरुदेव कहते थे वो आकर के देखे हमारी गौड़ीय वैष्णव में हमारे जो रूप गोस्वामी को विचारधारा है, हम लोग जो रूपानुग गौड़ीय वैष्णव है उसमें क्या विशेषत्व लोग आकर के देखे ये चीज को, हमारी संप्रदाय के महत्व को ये लोग समझे है, ये चीज को समझे। इसलिए कहते जन्म ऐश्वर्य, बोले कहते श्रुत, श्रुत मतलब होता है ज्ञान, लेकिन इसलिए इनका नाम भक्ति विज्ञान, ज्ञान नहीं भक्ति विज्ञान, इसलिए ज्ञान। और श्री, श्री मतलब होता है सुंदरता। आप कौन कौन देखे हो महाराज हाथ उठा तो हम लोग सबके सब देखे, इसलिए महाराज की जो पर्सनैलिटी जैसे प्रभुपाद है ना है, प्रभुपाद जैसे सुंदर है हाँ, कहते ना ब्रिस भानो सुता दई तानो चरण चरणाश्रित महदुत पावना शक्ति पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते ब्रिज भान सुता दई तानु चरण, प्रभुपाद कौन है, ये राधा रानी के नयन मणि मंदिर। इसलिए श्री भक्ति कुमार संत गोस्वामी कभी बोले, कभी मैंने सुना बोलते राधा रानी की जैसे रंग है तत्त कांचन गौरांगी, जैसे राधा रानी की कलर है फिर प्रभुपाद का रंग ठीक वैसे है, प्रभुपाद का रंग ठीक वैसे है। और श्री भक्ति देता माधव गोस्वामी महाराज देखो इनका तस्वीर यहाँ पर है, कहाँ पर है देखो आप लोग वहां पर देख सकते हो, वो देखने में जैसे प्रभुपाद जैसे लंबे चौड़े सुंदर और इतने सुंदर जैसे प्रभुपाद ना ठीक उनका रंग भी ऐसे बड़े सुंदर। कभी कभी किसी ने आकर के बोला खबरदार इनको विदेश मत भेजना,
क्योंकि इतने देखने में सुंदर है ये माया में फंस नहीं जाए, इसलिए उनका सुंदरता बड़े सुंदर अपूर्व है। लेकिन इनका जैसे रंग है ना, हमारे भारतीय गोस्वामी महाराज का रंग कैसे है हम लोग देखे है ना, पूरा प्रभुपाद का जैसे कलर श्री भक्ति देखकर माधव गोस्वामी महाराज के चेहरे रंग है और ऐसे ही लंबे चौड़े देखने में सुंदर है। इसलिए जो स्त्री है जो सुंदरता है ये भी बड़े सुंदरता है, लेकिन इनके अंदर में चार गुण रहते हुए भी जो भगवत भजन कर रहे हैं एक बहुत बड़ी चीज है। मतलब जब तक कोई मुक्त महापुरुष नहीं होना तब ये चीज को ये गुण रहते हुए भी जो भक्ति करना ये कोई साधारण बात नहीं। इसलिए वैष्णव का जो सबसे बड़ा जो बढ़िया क्वालिटी होनी चाहिए कहते कौन सा क्वालिटी होनी चाहिए वैष्णव का, कहते इनके अंदर में सरलता और दीनता, कहते दीनता ही वैष्णव का ये भूषण है इनके अंदर में है। इसलिए प्रभुपाद जब लास्ट में शरीर जब छोड़ने से पहले जब सारे भक्त लोग बैठे हुए थे प्रभुपाद ने अंतिम उपदेश प्रभुपाद का क्या है, सत्य गंजना सत्य अपमान सत्य लाछना सुन करके भी हरि भजन नहीं छोड़ना, ये प्रभुपाद का अंतिम उपदेश है। अंतिम उपदेश है कहते भगवान की भक्ति करने के लिए आना बड़ी बड़ी बाधाएं आती है जीवन में, कहते सत्यम सत्य न विघ्ना, अगर सच बोलो सब विघ्न है, अगर कोई तपस्या करे बोले हजार विघ्न बोले विघ्न अजुते न गोविंद, लेकिन जो गोविंद का भक्ति करने के लिए जाओगे हर स्टेप स्टेप में बाधाएं, कहते यहां तक भी देवता लोग भी ईर्ष्या करके, क्यों देवता लोग भी ईर्ष्या करके तांग को खींचना शुरू कर देते, बोले क्यों, कहते हम तो स्वर्ग में रहते हैं और ये तो राधा कृष्ण की भक्ति करके कहां गोलोक वृंदावन, कहां गोलोक वृंदावन चली जाए कोई जाने नहीं देगी, इसलिए टांग पकड़ करके वो भी खींचना शुरू कर देते हैं। हम लोग तो भजन कर ही रहे हैं जो तिलक गला में कंठी माला पहने, अब पता होगा भजन में कितने बाधा है, सारा दुनिया विरोध, पत्नी करता पति विरोध, पति करता पत्नी विरोध, बच्चे विरोध, दुनिया विरोध, यहाँ तक भी कुत्ता भी पीछा नहीं छोड़ता है, भक्ति करने के लिए आते हैं कुत्ता भी पीछा नहीं छोड़ता है, इसलिए कुत्ता भी अब दुनिया संतों को देखकर भो करना शुरू कर देते हैं, इसलिए खुद भी विचार नहीं छोड़ते हैं। इसलिए कहते जो भक्ति जगत में जो सहन शक्ति है ना ये बहुत बड़ी चीज है, जो सहे सो रहे और जो ना सहे वो ना सहे। लेकिन क्या होता है जब हम मंदिर में आते हैं ना, अगर कोई वैष्णव अब्बा गुरु थोड़ी सी बात बोलते ना तो रुक जाते, बोले हम साधारण घर के थोड़ी आए हैं, हम साधारण घर के थोड़ी आए हैं, दोनों को जाते हैं, लेकिन घर में बीबी की भी कोड़ा पड़ती है, बच्चों को भी चाबुक पड़ती है, पिता माता का भी गाली, बताओ संसार की सेवा करो उनकी सबकी सेवा करते हैं लेकिन सभी का गाली सुनना पड़ता है, सभी का गाली, लेकिन वो गाली को तो हम सुन लेते हैं, लेकिन अगर गुरु वैष्णव अगर थोड़ी कोई बात बोलते ना हम सहन नहीं कर पाते। लेकिन ये महापुरुष जी के अंदर में ये गुण था, ये महापुरुष के अंदर में है। इसलिए एक समय दो किसी दो वैष्णव में लड़ाई किसी कारण कहा हो गया, तो वैष्णव लड़ाई हो गया तो किसने इसको पास में चुगली कर दिया, चुगली कर दिया तो एक ने पूछा भैया तेरे नाम पर चुगली कर रहे हैं, बोले कौन कर रहा है, अभी तो उसने डर गया सोचा अगर उसका नाम बोलेगा तो बिगड़ जाएगा, बोले अभी किसका नाम बोले, देखो इनका तेरे में क्या है, बोले किसका नाम बोले, बोले ये नरोत्तम का नाम बोले, ये जो भक्ति विज्ञान ब्रह्मचारी का, बोले इनका नाम दे दो, बोले क्यों, बोले इनके अंदर में इतने सहन शक्ति, इतने सहन शक्ति के अंदर में अगर इनका नाम अगर दोष दे दोगे ना, किया नहीं उन्होंने, अगर दोष दे दोगे ना ये कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, किया नहीं तभी उन्होंने कुछ बोले नहीं, बाद में भक्ति देता माधव महाराज पूछे बोले तुमने तेरे तो तुमने काम की नहीं लेकिन सुनकर तुमने हजम कैसे कर लिया, बोले मैं देख रहा था कितनी सरलता है, मतलब इन्हीं के ऊपर में दोष नहीं करने पर इनको बोलने पर भी उन्होंने ये चीज को हजम कर लिया। इसलिए भक्ति जगत में जो सहन शक्ति है एक बहुत बड़ी चीज है, अगर सहन नहीं कर पाओगे ना फिर भगवत भक्ति कभी कर ही नहीं सकते हो, इसलिए इनके अंदर में ये सहन की बड़ी शक्ति थी। जब इनके आचार्य के निरूपण हो रहा था, जब श्री भक्ति देव माधव महाराज चले गए तब इसको बाद में आचार्य कौन आचार्य बनेगा, एक वैष्णव ने कहा देखो हम यहाँ पर चार आचार्य बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, चार आचार्य बन जाए, तब इन्होंने इनका भी एक नाम था, इनका भी एक नाम था, भले अब आचार्य का काम करो,
इनको गुरुदेव ने बुलाए, बुला कर बोले आप आचार्य का काम करो। तो बोले देखो अगर एक आचार्य होगा तो सही रहेगा। बोले क्यों? बोले एक आचार्य होगा ना, एक का ही शिष्य रहेगा तो फिर सभी का एक ही शिष्य रहेगा सभी का, होने पर एक शिष्य में लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। अगर ज्यादा आचार्य हो गए फिर ज्यादा सभी का शिष्य होंगे, आपस आपस में भविष्य में लड़ाई हो सकती है। इसलिए हम चाहते हैं मैं आचार्य नहीं बनूंगा, आचार्य एक ही आचार्य बने, आचार्य नहीं बनूंगा। और उन्होंने और एक विशेष बात बताई, बोले देखो कहते मैं तो प्रहलाद महाराज है ही नहीं। क्यों? बोले जिस समय भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को बोले तू वर मांगो, तो प्रहलाद महाराज ने क्या मांगे? बोले प्रभु अंतिम इनका वरदान, बोले प्रभु ये जगत में जितने जीव है इनका सारे पाप को लेकर के मैं अनंत काल के लिए नरक भोग करूं, लेकिन ये जितने सारे जीव को अब इनको पाप से मुक्त करके अब इनको वैकुंठ में स्थान दे दो, भगवत चरण में स्थान दे दो। भगवान ने कहा देखो प्रहलाद तेरे को इनकी पाप लेने का जरूरत नहीं, तुम्हारी ये इच्छा है ना इनका सारे पाप को लेकर के तुम नरक जाए उद्धार कर दे, मेरे एक वैकुंठ नहीं मेरे अनंत वैकुंठ है। अगर अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है ना, तुम्हारी एक इच्छा से मैंने एक ब्रह्मांड को संपूर्ण एक ब्रह्मांड को अपना धाम में स्थान दे दूंगा, लेकिन तुमको ये नरक भोगने का जरूरत नहीं। इसका मतलब है कहते एक व्यक्ति जो आचार्य का काम करता है कब करता है? जब किसी दूसरों को दुख देखता है। दूसरों को जो दुख देखते हैं इसलिए कहते हैं ना संसार दावा नललीन लोक प्राणाय कारुण्य घन घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य बंदे गुरुस्य चरणारविंद। इसलिए ये जीव का जो दुख दुख को देख करके इनके दुख से तरसते हुए कैसे इनको हम भगवत धाम में ले जाए, तभी आचार्य का काम करते हैं। इसलिए मैं वासुदेव विप्र भी नहीं हूँ, हाँ सारे जीव को इनका शरीर में कूड़ हो गया, कुष्ठ व्याधि हो गया, उसमें कीड़े पड़ गए, लेकिन जब एक एक कीड़े नीचे गिरते थे वो कीड़े को ला करके फिर वहीं पर रखते थे। बोले तेरा खाने का चीज क्यों वहां से अलग जा रहे? बोले इनके अंदर में इतने भाव अच्छी भावना है और ये भी सारे दुनिया को पाप लेना चाहते थे, इसलिए बोले भैया मैं सबका पाप नहीं ले सकता हूँ, मैं आचार्य का काम कर ही नहीं सकता हूँ। लेकिन उनको गुरुदेव ने आदेश देकर गए, उनको गए थे अंतिम समय में जब ये नहीं रहेंगे अंतिम समय में तुम आचार्य का काम करना। इनको श्री भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज इनको उपदेश देकर के इनको गए थे। इसलिए महाराज की इतने अच्छी अच्छी महाराज की भावना है, महाराज की इतने अच्छी अच्छी विचार है। अक्सर करके जितने इनकी चैतन्य गौड़ीय मठ में मठ है, ये सारे मठ को किसने बनाए? अभी महाराज कोई प्रभु बोल रहे थे ना, उन्होंने अक्लांत परिश्रम किया। मैंने जब पुरी में था उस समय पुरी था जब प्रभुपाद की वहां मंदिर बन रहा था, मैं कभी गया था प्रभुपाद स्थान में, एकदम खड़े होकर के महाराज जी खड़े होकर के सारे जो चैतन्य गौड़ीय मठ है वो खड़े होकर के महाराज जी स्वयं ये मंदिर को स्वयं बना रहे थे। प्राय करके इनका जितने मंदिर है ये महाराज ने ही, इनको बड़ी अच्छी ज्ञान थी सारे मंदिर के, उन्होंने सारी मंदिर को बनाए। इसलिए महाराज जी की अनंत गुण है, अनंत महिमा है। आज हम सबके साथ इनके आविर्भाव का तिथि को उपलक्ष्य करके उपस्थित हुए। अभी वैष्णव नित्य है, वैष्णव कहीं गए नहीं, वैष्णव नित्य है। वो देखते होंगे हमारी तिथियों को कैसे के लोग पालन कर रहे हैं। हम सबके साथ इनके चरण में एक ही प्रार्थना करें, आपकी अंदर में जो सेवा की भावना थी वैष्णव का प्रति, जो गुरु सेवा की भावना थी और आपका अंदर में जो सहनशीलता था, आप हमें थोड़ी सी ये गुण दे दें। अगर ये थोड़ी सी ये गुण आ जाए ना, बस हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा अगर ये थोड़ी सी गुण आ जाए। इसलिए वैष्णव चरण में, क्योंकि जो वैष्णव है कहते ना वांछा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिंधु भैरवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव गुण। इसलिए वांछा कल्पतरु है, ये वांछा इच्छा को कल्पतरु जैसे ये इच्छा पूरी करते हैं, हम सबको ऊपर में ये गुण प्रदान करे। जैसे देखो मेरे गुरु जी कहते थे, जितने ब्रह्मचारी लोग सुना, मेरे गुरु जी कहते थे किसी तरह से एक जीवन मंदिर में वास करते हुए मिलजुल करके सेवा करते हुए एक जीवन बिता, ये मेरे गुरु जी को उपदेश है। क्योंकि मेरे गुरुदेव कहते थे मैं स्वयं नयनमणि मंजरी का शिष्य हूँ, गुरुदेव कहते थे मैं नयनमणि मंजरी कौन है, इसलिए प्रभुपाद इतने महापुरुष का शिष्य हूँ।
लेकिन एक जीवन हमें मंदिर में बिताना कितना कष्टकर हुआ हमने पता है कि एक जीवन गुरुदेव, एक जीवन जो प्रभुपाद से हमने सुना है, एक जीवन किसी तरह से मंदिर में बिताना हमको पता चला कैसे बिताना। इसलिए प्रभुपाद का यही उपदेश है और श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज उन्होंने ये सारे चीज को अपना जीवन में दिखाया है। इसलिए किसी तरह से हमें एक जीवन जैसे रोज मंदिर में देखो, मंदिर नहीं प्रभुपाद करते राधा रानी का निकुंज महल को मैंने यहाँ प्रकट कर दिया। ये निकुंज महल है प्रभुपाद करते, जैसे राधा रानी के निकुंज महल में क्या होता है, सवेरे मंजरी सखियां सवेरे कैसे उठते हैं, उठ करके स्नान करके तिलक करके मंगला आरती करते हैं, ठाकुर के लिए फूल बनाते हैं, ठाकुर के लिए प्रसाद बनाते हैं, ठाकुर की कीर्तन करते हैं। देखो यहाँ पर वही हो रहा है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं गौरी मठ नहीं राधा रानी का निकुंज, ये मंदिर मैंने भी यहाँ पर प्रकट कर दिया कि जो निकुंज मंदिर ये ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर जो जितने अच्छे तरह से ट्रेनिंग ले पाएगा बस नौकरी भी उसको बढ़िया नौकरी भी पर राधा रानी की नित्य सेवा मिलेगा। इसलिए आज का दिन महाराज सबको फिर कृपा करे, जैसे निकुंज महल में हम एक जीवन किसी तरह से अगर एक जीवन को बिता दे हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। हरे कृष्ण। आप लोगों ने श्री श्रीधर महाराज से सम्मान किया, हमारे गुरु महाराज जी के बात बताया, इस प्रसंग एक भी बात मैं बता देता हूँ। हमारे गुरु महाराज श्री भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज को कभी एक बार सुन लेते या पढ़ लेते कभी भूलते नहीं थे, कहीं भी कोई कोटेशन जरूरत हो उनको पूछो तुरंत उत्तर दे देते थे। उनको समस्त गौड़ीय वैष्णव की ओर से उनका गौड़ीय वैष्णव अभिधान या गौड़ीय डिक्शनरी टाइटल मिला था। ऐसे इसलिए भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज कंस्ट्रक्शन में इतने एक्सपर्ट थे, इसलिए उनको सिविल इंजीनियर ऑफ गौड़ीय कहा जाता था। ये समझ कोई भी कहीं कुछ हो जरूरत हो उनके मदद करते। जब हम लोग देवानंद गौड़ीय मठ में हमारा धर्मशाला बन रहा था, एक बार श्रीलो महाराज जी दर्शन के लिए आए थे, श्रीलो गुरुदेव नारायण गोस्वामी पूछा आप लोग सीमेंट कहाँ से खरीदते हैं, बता कलकत्ता से, बोले नहीं आप लोग दुर्गापुर से सीमेंट लीजिए, उधर आपको चिप मिलेगा क्योंकि आपको डायरेक्ट उधर से लेना पड़ेगा जहाँ पर प्रोड्यूस होता है, वहाँ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फिर कॉन्ट्रैक्ट नंबर दिया, फिर गुरुदेव मुझे भैया और एक ब्रह्मचारी को जाकर कॉन्ट्रैक्ट करके उधर से सीमेंट आने लगा। आज के सभा के संचालक थे श्री माधव प्रिय प्रभु और व्यस्त रहने के कारण मुझे दायित्व दिया था और फिर प्रभु संचालन करेंगे श्री माधव प्रिय प्रभु जी। माधव प्रिय प्रभु जी कह रहे हैं कल आप तो दोपहर के प्रोग्राम के बाद मथुरा चले जाएंगे, इसलिए मुझे बोलने का आदेश दिया। अच्छा मैं एक प्रश्न आप लोगों से पूछता हूँ, जब भगवान रामचंद्र जी रावण को मारा था, कैसे मारा था, कमान लगा था ना मिसाइल लगा था, कैसे मारा था, तीर धनुष से, तीर धनुष किससे बनता है, बांस से। ये मर्यादा पुरुषोत्तम बांस का सहारा लिया। उसके बाद आइए द्वापर युग में, जब लीलाशु पुरुषोत्तम कृष्णचंद्र आए, उनके सबसे बड़ा अस्त्र क्या था, बांसुरी किससे बनता है, वो भी बांस से। और आइए कृष्ण भजन का शिक्षा जो हम लोगों को दिया इस कलि युग में श्री चैतन्य महाप्रभु लीला प्रेम पुरुषोत्तम, जब सन्यास लिया, सन्यासी का दंड होता है, दंड कैसे बनता है, किससे, बांस से। अब महाप्रभु विचारधारा को हम लोगों को प्रचार करने के लिए गुरुवर को हम लोगों को सन्यास दिया, दंड दंड कैसे बनता, किससे बनता है, बांस से। अब जब हम लोग मरेंगे कोई भी हो, जब आपके बच्चे लोग ले जाएंगे राम नाम सत्य है, कैसे ले जाएंगे, बांस से। देखिए सब के पास किसी को न छोड़ा,
न भगवान को छोड़ा, न भक्त को छोड़ा और न अभक्त को छोड़ा। ऐसे जब भी प्रभु के आग्रह है मैं बोलूं, मैं पहले एक वचन दिया था, उनका नाम मुरलीधर है, चंडीगढ़ से आए हैं और उनको नहीं दूसरा हम लोगों को बांस दे देंगे, तो इसलिए पहले अनुरोध करता हूँ दो मिनट आके भाई जान पुष्पांजलि प्रदान कुछ बोले कि मैं बोलूंगा। आइए, ये बांस देने वाले नहीं है, चिंता मत करो। स्वता के और मुक्त के आप उधर जाएंगे देखेंगे कैसे सब ठीक है। I have a very limited association. I got a very limited opportunity to associate with Gurudev, but a very limited association, you know, I got a lot of blessing from them, and I use up to this. It's only because of the Gurudev blessings. I heard whenever I find an opportunity, I used to ask whether it is senior Vaishnava or junior Vaishnava, I ask, you know, about my Gurudev. Like you tell me something, you know, about what you have experienced, learned and know about my Gurudev. There are so many things which I, you know, gathered and collected even my books. I'm basically assembling certain, you know, various things about my Gurudev. But and to explain them, I think it takes hours sometimes. But I concluded out of those assemblies that, you know, if we determine any personality, any great personality, there are the four ligaments on which we can access them. First is the strong determination. Second is the great seva. And the always to walk and staff for the welfare of the public as a lot. Fourth is the third is continuity and third one, and fourth one is the comprehensiveness. If we determine a personality or a great personality on this, and if we pause too on those four determinants, I think these all basically apply to my Gurudev. If you ask for the strong determinations, right now here, Maharaj has told that all the math of Tanegodi math has been constructed by my Gurudev. And there are so many examples that what he decided, whether any obstacles comes in between, whatever the way he will find the solutions. One of the very burning example is that when the Chandigarh Gauriamath was being under construction, so Maharaj decided that the height of the mat has to be of a particular size. And there was objections from the department, government departments also. And because, you know, certain masjid and the quality complained against that it cannot go up, you know, then the masjid. Maharaj himself gone and, you know, climbed up to the height of the masjid, and this rock determined the height, what is the exact height, and then accordingly they fixed the height of the mat. So that is what they decided. Whatever the obstacles comes, they find a solution in them, but they achieve them. So there are various other examples where, you know, the determination of Maharaj get demonstrated on various fronts. Second is that the seva and, you know, the Vashtu seva, Bhavan seva, and, you know, the welfare of the others. I met Gurudev at Gurgaon, and Maharaj has told me that when we constructed the mat, we gave the seva of a single cement bag to everyone who wanted to do the seva for the mat. There are the people in the Chandigarh and the, you know, the various other places who can come and say, okay, I will take a cargo of the cement to the construction. But he has given a one
one bad seva to each one of the individuals. Why? It is only because of the angels that the opportunity should get everyone, you know, the love of the God and the rationals, so to associate the much, and ultimately they get this putya and then, you know, they come into the Piyya. So, I mean, he always, whatever he does, he always keeps in mind that how the public as a large, people like us, you know, who has been so deep rooted into the Maya, like, you know, the other by protection for every day, and money. So they try to bring us to, you know, the Bhakti. So how, this is only because of the reason that, you know, kind of the love for their disciples and, you know, for the others. Third one is continuity. Maharaj do everything continuously. Whether he is to come with, you know, the Mandal Aarti in the morning, Maharaj is the first one. And so many has, Rashtas has told me that, you know, Maharaj is the first, then, you know, others. Every seva or every work, Maharaj do first. Like, I have been told one of the Rashtas that at a painful month, Maharaj was doing seva, and she was, Maharaj was in charge there, and following. He was, one day he was become senseless. Then the all Vaishnavas has took to the hospitals. The moment he awakened, he says, look, let's go to the one. This work is left, this seva is left. So immediately, you know, Maharaj came back to the mud, irrespective of the condition of their body. So he performs every work, every seva, you know, continuously and comprehensiveness. So the fourth one we call determinants of any great personality is the comprehensiveness. Comprehensiveness means samagrata. The person who established, you know, the correlation of one thing with everything, and you conclude one thing, isse kehte hain ki amrit ko kaise nikalna, wo Maharaj ki quality. Maharaj has the knowledge of all the ground. Maharaj has the knowledge of all the places of the country and the world. Maharaj has the knowledge of perhaps of the every smallest element which is, you know, associated in a particular universe. So, once they used to say in India, who could be both in Maharaj to both in India, ye main shastra ki baat bol raha hu, apne taraf se nahi bol raha hu. Nichod bol raha hu. Matlab Maharaj jo bhi kuch bolte the, wo aisi baat bolte the, kyunki bilkul sab cheezon ka connotation establish hota tha. Nobody can get it. So, I mean to say that all four determinants, whether it is a great determination, whether it is a seva or the welfare of the others, whether it is a continuity or whether it is a comprehensiveness. If we take the 26 all rational gun, if we put together under these four determinants, this comes under it. So in a view, my Gurudev is the great personality in the world, and I mean, there are so many things which cannot be, you know, explained, because it takes hours long time, and I just came over here to listen, you know. So, thanks for giving me the opportunity. Panchatam Bhattam Vasya Kripa, Sindhini Kripa, Sindhini Hare Krishna. Aap logo ne vibhinna vaktaon se savan kiya. Ab main 5-7 मिनट में कुछ पुष्पांजलि देकर समाप्त करूंगी. पहले ऑब्जेक्शन आ गया 5-7 मिनट क्यों, अरे 5-7 के इंटू करने 35 मिनट भी तो होता है. टाइम 1 बजे तक है ना. माधव महाराज के चाचू माधव सिंह को उन्होंने बताया. ठीक है, अब सुनिए. गुरुजन के विचार बताता हूँ. जब कोई आचार्य इस जगत में जन्म लेते हैं या आविर्भाव होते हैं, तब किसी को पता नहीं चलता. भारती गोस्वामी महाराज का जन्म इस जगत में 1926 में हुआ था ना, 1955 में उनका हरिनाम एवं दीक्षा, और 1969 में संन्यास.
ये तीन तिथियां हम लोग देख रहे हैं, कौन से तिथि में हम लोग व्यस्त पूजा पालन कर रहे, ये प्रश्न है हम लोग से पूछता हूँ। बताइए कौन सी तिथि में व्यस्त पूजा होनी चाहिए, इसके बाद मैं गुरुदेव का विचार बताऊंगा। माधव गुरु का जिसे आविर्भाव होता है हम तो जानते नहीं कौन है, उस दिन क्यों करें? जिस दिन पारमार्थिक जन्म होता है उस दिन क्यों नहीं करेंगे, या जिस दिन सन्यास क्यों नहीं करेंगे? देखिए गुरुदेव के पास एक प्रश्न आया था कई बार, तो गुरुदेव ने उनको गुरुदेव से पूछा कि उनके जन्मदिन में जब इस जगत में आए और हम लोग व्यस्त पूजा क्यों करते हैं, जब उनका पारमार्थिक जन्म हुआ उस दिन हम क्यों नहीं करेंगे, हरिनाम दीक्षा हुआ, या जिस दिन सन्यास हुआ जिसके लिए बताया मुकुंद सेवन व्रत वे साधारण, मैं मुकुंद का ही सेवा करूंगा, जो प्रतिज्ञा करके वेश धारण करते हैं उस दिन हो, या गौड़ी के जो आराध्य श्रीमती राधा ठाकुरानी संन्यास में उन्हीं का मंत्र है ऐसे सेवा करना, उस दिन उनका व्यास पूजा हो। तो गुरुदेव बस कोई बार ये प्रश्न आया था तो गुरुदेव बताया केवल एक दिन नहीं, नित्य काल ही व्यास पूजा होना चाहिए, एक उत्तर दिया। फिर दूसरे उत्तर गुरुदेव ने दिया, हम लोग हमारी गुरुवर्ग की व्यास पूजा आविर्भाव तिथि या जन्म से क्यों करते हैं, वो साधारण मनुष्य क्या है कि आप कैसे जानेंगे? गुरुदेव ने बताया देखो जब कृष्ण या श्री कृष्ण या श्रीमन महाप्रभु या श्रीमन रामचंद्र श्री रामचंद्र इस जगत में आए कौन जानते थे भगवान है, धीरे धीरे वो कार्यकलाप ने बता दिया ये भगवान है। ऐसे ही हमारे गुरुवर इस जगत में अगर आविर्भाव न होते तो उनका समझिए हरिनाम तिथि या दीक्षा तिथि कैसे आता, ये लोग जगत में नहीं आए हरिनाम और दीक्षा कैसे लेंगे, जब जगत में आए ही नहीं संन्यास कैसे लेंगे? पहले कोई है मूल जिस दिन आते हैं, और लोग साधारण बौद्ध जीव हम जैसे नहीं, और जिस दिन आते हैं उसी दिन को व्यास पूजा करना पड़ेगा, यही साधारण नियम है, ये विशेष नियम है। अगर नहीं आते हम कैसे जानते हो कौन है, और ये कहां क्या भजन किया क्या किया वो कौन है हम कैसे जानेंगे? वो भगवान के नित्य परिकर हो करके भी मनुष्योचित लीला करते हैं ताकि हम लोगों को भजन में लगाया जा सके, वो अपने मनुष्योचित लीला नहीं करते तो उनका हम फॉलो नहीं कर सकते। इसलिए भगवान के दो प्रकार लीला है, एक मनुष्योचित लीला है एक ऐश्वर्य लीला है। ऐसे आचार्यों का भी दो तरह की लीला है, एक मनुष्योचित लीला है एक ऐश्वर्य परम लीला है। जब मनुष्योचित लीला करके जिस दिन इस धराधाम में आते हैं उस दिन व्यास पूजा होगा। इसलिए हम लोग हमारे गुरुदेव गुरुवर सब की व्यास पूजा हम लोग उनके आविर्भाव तिथि के दिन करते हैं, तो विशेष रूप में और नित्य काल हम तो करते ही हैं। उनका आविर्भाव हुआ 1926। ये 1926 क्यों, 1+1+9+2+6 इसको योगफल क्या होता है, 1+9=10+2=12+6=18 ही हुआ कि ठीक, मैं ठीक बोला कि नहीं बोला? जो 1926 एक के साथ 9 योग कीजिए कितना होगा 10, 10 के साथ 2 योग करने पर 12, 12 के साथ 6 योग करने पर 18 हुआ ना, 18 को 1+8 को जोड़िए कितना होगा 9। तो इस बोले इस तात्पर्य क्या है, बोले माधव दिमाग खराब हो गया क्या, ये क्या बोल रहे हैं, दिमाग खराब तो नहीं हुआ, हो जाता तो अच्छा होता। ये 1926 का तात्पर्य 1+9+2+6=18 हुआ, 18 1+8 को जोड़ते 9 होता है। तात्पर्य क्या है, 1926 में क्यों आए, जगत को दिखाना चाहते हैं देखो भगवान की सेवा करनी है, भगवान को वशीभूत करना है, भगवान को कंट्रोल करना है तो नवविधा भक्ति करना पड़ेगा।
ये दिखाया, देखो ये 1926 अर्थात ये नवविधा भक्ति का प्रतीक, बिना नवविधा भक्ति करके कोई आगे बढ़ नहीं सकते। ये देखिए जहां भी गौड़ीय मठ नव चुड़ा है, क्यों? नवदा भक्ति के प्रतीक, इसी को जगत को शिक्षा देने के लिए 1926 में इस जगत का आविर्भूत है। देखो जी तुम नवविधा भक्ति करो, उनके अनुरक्त में जो भी आएंगे, आया और आएंगे भी, उनका अनुरक्त स्वीकार करेंगे, उनको आसानी से नवविधा भक्ति प्राप्त होगा, इस दिखाने के लिए 1926 में आए। और 1955 में उनका हरिनाम दीक्षा हुआ, और 1969 में, 1969 में सन्यास। 1969 1 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 9 क्या होता है? 1 प्लस 9 10 प्लस 6 16 प्लस 9 25। ये 25 में ये 2 और 5 जोड़ने में क्या होता है बोलो? 7 होता है। इसका तात्पर्य क्या है? ये उस समय सन्यास क्यों लिया? ये तात्पर्य है, ये भगवान को प्राप्त करने के लिए 8 स्टेज है। क्या है? श्रद्धा, भजन क्रिया, अनर्थ निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, 8 स्टेज है। आप में 7 कैसे हैं? और भगवान को भजन करने पर क्या होगा? जग गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां जाने पर और आना नहीं होता है तब ये भगवान के धाम है। ये सब का, ये 7 का तात्पर्य आपको समझा रहा हूं। पहले क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा तू अन्नोपायवर्जम कृष्णन्मुखी या भक्तन्मुखी चित्त वृत्ति विशेष। जब समस्त उपायों को छोड़ करके जब केवल कृष्ण या भक्ति उन्मुखी चित्त वृत्ति होगा, उससे श्रद्धा है। श्रद्धा फिर भजन क्रिया, साधु संग। बिना साधु संग से कोई इस जगत से उद्धार नहीं लाभ कर सकते। साधु संग क्या है? साधु का तात्पर्य क्या है? साधनति साधयति च कृष्ण प्रेम। जो कृष्ण प्रेम पाने के लिए स्वयं साधन कर रहे हैं और दूसरे का भी साधन करने के मदद कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, साधु हैं। ये साधनति साधयति च कृष्ण प्रेम। ये साधु संग के माध्यम से क्या होगा? आगे भजन में बढ़ेंगे। तो ये प्रश्न हो सकता है, हमारे गुरुवर्ग क्या साधक हैं? नहीं नहीं, वो लोग भगवान के नित्य परिकर, श्रीमद महाप्रभु जुगल के समय नित्य परिकर हैं। ऐसे साधन क्यों कर रहे हैं? महाप्रभु बताया, अपनी आचरी धर्म सिखामु सवारे, अपनी ना आचरी धर्म सिखाना न जाए। मैं स्वयं आचरण करूंगा, जगत को शिक्षा दूंगा। अगर स्वयं आचरण नहीं करूं तो मैं शिक्षा नहीं दे सकता। ऐसे ही श्री भारती गोस्वामी महाराज साधक ने साधक चित भाव से हमें शिक्षा दे रहे हैं। देखो इस उन्नत स्थिति में होकर के मैं साधन कर रहा हूं, तुम भी साधन करो, ये सिखाने के लिए। ऐसे फिर अनर्थ भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति। कल कौन बता रहे थे? अर्थ एक अनर्थ, और माधव जी बता रहे थे, संजय प्रभु भी, अर्थ जो प्रयोजन है, जो मुझे चाहिए, अनर्थ जिसको मुझे त्याग करना है। ये अनर्थ निवृत्ति कैसे होगा? तब बताए ये सब लोगों ने सिलो भारती गोस्वामी महाराज के जो वैष्णव सेवा का उदाहरण बहुत सुंदर रूप में दिया, नरोत्तमान नरोत्तम प्रभु सब लोगों ने अच्छी तरह से बताया। ये तो अनर्थ नीति कैसे कैसे होगा बताया? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया उपदेशं भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर् भवति नैष्ठिकी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। ये अनर्थ निवृत्ति का क्रम भी विभिन्न तरह के हैं। एक देश वर्तिनी, बहुदेश वर्तिनी, प्रायी की, पूर्णा, आतंतिकी, जिसका विशद विवरण आपको माधुर्य कादंबिनी ग्रंथ में मिलेगा। श्री गुरुदेव इसको हिंदी में किया था, अब हम इंग्लिश में पब्लिश हो गया है।
नष्ट प्रायसु अभद्रेशु नित्यं भागवत सेवया। क्या करना पड़ेगा? प्रतिदिन भागवत की सेवा करने पर क्या होगा? अनर्थ प्राय दूर हो जाएगा। भागवत कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार, एक भक्त भागवत, एक ग्रंथ भागवत। फिर ग्रंथ भागवत दो प्रकार, एक चैतन्य भागवत जिनमें महाप्रभु की लीला, एक श्रीमद भागवत जिनमें कृष्ण की लीला। ऐसे भक्त भागवत तीन प्रकार के हैं, मूर्छित कसाय, निधत कसाय, प्राप्त पार्षद भागवत देह। देखिए श्रील भक्ति की कारण भारती गोस्वामी महाराज कैसे भागवत सेवा किया, उदाहरण देकर दिखा रहा हूं। जित कृष्ण प्रभु कह रहे थे, जब एक समय ये सब भक्त लोग प्रभुपाद के शिष्य सब जा रहे थे वृंदावन, एक टिकट कम था। श्रील भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज जो मेदिनीपुर समानंद गौड़ीय मठ, वही पहले भारती गोस्वामी जोगाजोग हुआ, उस मठ से माध्यम से श्रील भक्ति गई तो माधव गोस्वामी महाराज को जाना, उनके टिकट नहीं थे। तो श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी सोच रहे हैं एक टिकट तो कम है, क्या किया जाए। इतनी चतुराई से सेवा किया भागवत सेवा, देखिए कैसे वो टिकट ला करके जाजावर गोस्वामी को दे दिया, बोले ये आपका टिकट है, ये बात थे। और कैसे चतुर देखिए, बोले जे जन कृष्ण भजे से बड़ा चतुर, जो कृष्ण के भजन कर बहुत चतुर होते हैं। अगर भारत उधर रहेंगे नीचे फर्श पर सोएंगे तो बोले नहीं तो तुम्हारा टिकट है। तो क्या किया, उनको दे करके दूसरे कक्ष में चले गए, जा करके नीचे अपने चादर बिछा के सो गए। देखिए कैसे वैष्णव सेवा, क्या भागवत सेवा, भक्त भागवत की सेवा। भक्त भागवत की सेवा करने पर ही तब ग्रंथ भागवत की सेवा होगी, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। देखिए ये सब क्या है, प्रभुपाद के गण सब नित्य मुक्त महापुरुष। कल माधव भी बता रहे थे, देवम भुक्त्वा देवम जजेत न देवम देवम अर्चयेत। गुरुदेव कहते थे जहर ही जहर पहचानते हैं, ये जहर है वही जानते हैं, जहर है ये हीरा है या पन्ना है वो सब समझ सकते हैं। कोई भागवत न हो उन दूसरे को भागवत कैसे समझेंगे। तो ये कुछ गुण तो होना चाहिए ना। देखिए भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जब उनका सन्यास हुआ तो गुरुदेव नाम क्या दिया, भक्ति विज्ञान भारती। विज्ञान का तात्पर्य एक होता है नॉलेज, एक होता है अनुभूत नॉलेज। जो ज्ञान है वो केवल थियोरी, और विज्ञान क्या है, अनुभूत संपन्न ज्ञान। जिस थियोरी को आप पढ़ करके फिर आप उसको प्रैक्टिकल करते हैं आप समझ जाते ही तब वो विज्ञान होता है। जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ा H2O is equal to water, जब ये सुनना पढ़ लिया फिर जब आप लैब में जाकर के इनको प्रैक्टिकल करेंगे तब तो आपको पता चल गया ये H2O मिलकर पानी हुआ। ऐसे ही भक्ति विज्ञान, भक्ति अर्थात जो भक्ति के विज्ञान है, जो महाराज जी बता रहे थे सहरम ध्यान गदितं माया, इनका नाम दिया भारती। भा का अर्थ क्या है, भा अर्थात प्रकाश, रोटी अर्थात कृष्ण राधा कृष्ण रोटी अटैचमेंट, जिनके सन्यास के समय ही रोटी प्रकाश हुआ, उनका तो है ही है। फिर हम लोगों को दृष्टि से ये दिखाया तो ये क्या है, अनुभूत संपन्न ज्ञान होने के नाते उनके गुरुदेव शब्द भविष्य भूत भविष्य दृष्टा है। उनका नाम टाइटल क्या है, भक्ति विज्ञान भारती, और क्या नाम नहीं था, बहुत कुछ नाम था, 108 नाम है। उनका देख करके उनका नाम भक्ति विज्ञान भारती दिया। वो क्या कर रहे हैं, नित्यम भागवत सेवया। जब जब जहां जरूरत पड़ा वैष्णव की सेवा, प्रभुपाद के गणों की कितने सेवा की वो दिखाया। देखो यदि तुम लोग हमारे अनुगत तो करना चाहते हो, हमें देख के सीखना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, भागवत सेवा करो। दिखाया भागवत तीन प्रकार बताया, मूर्छित कसाय, निर्धुत कसाय, प्राप्त पार्षद भागवत देह। मूर्छित कसाय, कसाय अर्थात दोष, कुछ दोष तो है लेकिन लेटेंट पोजीशन में है। जैसे उदाहरण लिया,
कि जब नारद ऋषि दासी के पुत्र के रूप में जन्म लिया, देखा माँ मुझे मुझे प्यार करती है, माता मरे पिति करे ये मोर बंधन, मैया मुझे इतना प्यार करते मेरा बंधन है। एक दिन क्या हुआ, सब गुरुदेव कहते थे टाइम टाइड एंड टेक वेट फॉर नन, समय समुद्र के लहर एवं मौत किसके लिए प्रतीक्षा नहीं करते। ऐसे जब दासी पुत्र के रूप में नारद ऋषि थे, उनके माता जी कहते सांप के दंशन से ध्यान कर दिया, क्या किया एक क्षण रुके निश्चित चले गए जंगल में भजन करेंगे। फिर उनको भजन करते एक बार भगवान क्या किया, उनको छलक दर्शन दिया, बेचैन हो गए और उस स्थिति स्मृति को लेकर के छटपटा रहे, दर्शन करना चाहते हैं। दैव वाणी हुई, नारद तुम इस अवस्था में इस जन्म में ये दर्शन नहीं कर पाओगे। कारण क्या है, इसे टीकाकरण ने बताया, श्री गुरुदेव बताया ये उनका कुछ दोष था। क्या दोष है, नारद ऋषि ने सोचा वनस्तु सात्विक वासम, और जो तीन प्रकार के गुण है सात्विक राजसिक तामसिक, जहां दूत सदनम या जुआ खेलते हैं वो तमस, शहर जिसमें अधिक पैसा का लेन देन है रजब रजब गुण के स्थान, वनस्तु सात्विक वासम वन में चले गए, वही तुम्हारा दोष है। उनको क्या करना चाहिए था, टीकाकरण ने बताया साधु संघों के लिए उनको लालायित होना चाहिए था, इतना ही दोष है। वित्तासुर बताया और पृथ्वीमान सबको देखिए साधु संघों के लिए जोर दिया, ये क्या किया वनस्तु सात्विक वासम, इस कारण क्या हुआ उनका ये कसाय रहेगा, मूर्छित कसाय, निर्धुत कसाय, जिनका किसी प्रकार दोष नहीं समझ वास आउट हो चुका है। ये कौन है, सुखदेव गोस्वामी। जब परीक्षित भाई सभा में आ रहे थे, यंग लड़की लड़कियां सब धूल झग रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, जब आए सब उठ खड़े हुए, देखा नहीं साधारण तो नहीं भागे, कोई उनका दोष नहीं। तीसरा है प्राप्त पार्षद भागवत देह, जिनके भगवान के सेवा का उनको पार्षद शरीर मिल चुका है, उनका पार्षद शरीर है। जब श्री प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एक सौ नाम जब को पूरा किया, श्रीमन महाप्रभु उनको प्रचार का आदेश दिया, बोले प्रचार में कैसे करूं, प्रचार के लिए दो एमपी चाहिए। मुरलीधर जी एमपी का अर्थ क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो प्रभुपाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाह रहे थे, नहीं एमपी अर्थात मैन पावर एंड मनी पावर, अर्थात प्रचार करने के लिए दो चाहिए, मैन पावर चाहिए, मैन पावर हो जाए मनी पावर अपने आप हो जाएगा। प्रभु आप मुझे प्रचार के आदेश दे रहे हैं, दो एमपी चाहिए, मैन पावर मनी पावर, कैसे करूं। महाप्रभु बता तुम चिंता मत करो, मैं बहुत लोगों को तुम्हारे पास भेज रहा हूं। तो प्रभुपद के नित्य परिकर है कौन है, महाप्रभु के भेजा हुआ अपना पार्षद, वो एक ही साथ में महाप्रभु के परिकर जुगल किशन के परिकर। तो श्री भक्ति विज्ञान भक्ति मंच क्या किया, जो प्रभुपद के दोनों की सेवा की, क्या किया नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत की सेवा की। और तब क्या होगा, तब निष्ठा होगी। और भागवत दो बताया, ग्रंथ भागवत, भक्त भागवत की कृपा होने पर तब भक्त भागवत की कृपा होगी। तो ग्रंथ भागवत दो, एक चैतन्य भागवत एक श्रीमद भागवत। कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, हम चैतन्य भागवत की महापुरुष सेवा करने की जरूरत क्या है, मां तो स्वयं बताया अपने भजन के, कभी तो बताया नहीं, ये राधा कृष्ण के भजन के लिए बता रहे हैं, क्या जरूरत मैं डायरेक्ट राधा कृष्ण की सेवा करूं। तो बता नहीं नहीं संभव ही नहीं, बता आराधितो नव वनम ब्रज कानन्ते, नाराधितो नव वनम ब्रज एव दूरे, आराधित दिजसुत ब्रज नागरस्ते, नाराधित दिजसुत न तदेह कृष्ण न तदेह कृष्ण, आराधितो नव वनम ब्रज कानन्ते। यदि कोई नववन की सेवा करते हैं, नववन अर्थात नवद्वीप धाम, नववन नाम क्यों हुआ, श्री कृष्ण क्या करते हैं, और
बहु बल्लभ, जैसे श्री रामचंद्र एक बल्लभ केवल सीता देवी, ये क्या है बहु बल्लभ। कृष्ण कभी लड़ाई साथ से कभी चले जाते, जाते कहां नहीं, कहीं जाता नहीं। तो राधा जी के पास बहुत खुफिया पुलिस ऐसी आएगी, जैसे रूप मंजरी, ध्रुति मंजरी, नयन मंजरी, विनोद मंजरी, रमन मंजरी, राग मंजरी, बहुत से बहुत एक्सपर्ट धुरंधर हैं। रूप मंजरी बुलाए, रूप सुन, देखिए काला जाता कहाँ है, ऐसे तुम्हें पता करना पड़ेगा कि उस काले को पता ना चले। ठीक है, बहुत एक्सपर्ट है ये गोविंदा गिरी जो खुफिया पुलिस, आप अमेरिका CIA बताइए, रशिया में KGB बताइए, जो भी बताइए, इधर CIA बताइए, ये आइडिया वेस्टर्न ब्रेन से नहीं आया, ये राधा जी का ब्रेन से आया। खुफिया गोविंदा गिरी लगा दिया, रूप मंजरी देश बदल के गई, देखा आके राधा से कह रही है, स्वामिनी जी वो ऐसे स्थान में जाते हैं, नित्य बसंत काल है, चिर बसंत, और एक बहुत सुंदर नदी है, इधर जमुना जी है, ये तो काली काली, वो जो नदी गरी है, गरी गरी पानी है, गरी, और इधर जैसे तमाल का पेड़ है, पीलू का पेड़ है, कदम का है, उधर आम का पेड़ है, कटहल का, नारियल का, अच्छा इधर से मोर नाचता है, उधर कोयल कू कू पंचर से कू कू करता है, इसलिए बार बार चले जाते हैं। ठीक है, तब क्या किया राधा जी, अपने मन से नवद्वीप धाम को प्रकट किया, इसलिए इनका बताया नवगौन। और श्रील भारती भाई क्या किया, नवद्वीप धाम जो मायापुर में जो उनका चैतन्य गौड़ीय मठ है, कितनी सेवा की, क्या किया, ये क्या किया, नवगौन की सेवा की, आराधित नवगौनम ब्रजकानन अंते, जो नवगौन नवद्वीप की सेवा करने पर द्वैधाम में सेवा मिलेगा। देखिए इधर कंस्ट्रक्शन किया, उधर जाके भी वृंदावन में भी किया, तो बताया कंस्ट्रक्शन की सेवा है, और ये कंस्ट्रक्शन नहीं क्या है, पुण्य है। हम अपने दृष्टि से कंस्ट्रक्शन देखते हैं, कंक्रीट देख रहे हैं, उनका ऐसे भाव नहीं है। जैसे मैं श्री भक्ति प्रमोद पूरी गोस्वामी एक उदाहरण देता हूँ, इस विषय में याद आ गया तो भूल ना जाऊ। श्री भक्ति प्रमोद पूरी गोस्वामी महाराज, मुझे भी उनकी सेवा करने की रोशी बनाने की कपड़ा में सौभाग्य मिला, वो प्रतिदिन अर्चन करते थे, तो किसी ने बताया ये अर्चन तो कनिष्ठ अधिकारी का है, तो श्री भक्ति प्रमोद पूरी और बहुत प्रसन्न हुए, अहो मैं तो जानता मेरे को अधिकार नहीं है, वैष्णव मुझे अधिकार तो प्रदान किया कनिष्ठ अधिकार, ये सुने जो वैष्णव बहुत लज्जित हो गए, ये उनका कनिष्ठ अधिकारी अर्चन नहीं है, उनका भाव सेवा है। जैसे गुरुदेव कहते दास गोस्वामी गिरिराज का अर्चन करते थे, महाप्रभु भी गिरिराज का अर्चन किया, कभी आंख के ऊपर लिया, हृदय में लिया, आपके आंसू से उनका विषय, ये क्या है भाव सेवा। ऐसे जो पूरी गोस्वामी महाराज करते थे, ये क्या है, ये हम जैसे बौद्ध जीव का अर्चन, उनका भाव सेवा है। ऐसे श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जो नवद्वीप धाम में भी कंस्ट्रक्शन का काम देखा, फिर वृंदावन में भी, ये क्या है, वो कुंज निर्माण है हमारे जैसे, ये ईंट पत्थर का नहीं है, इसलिए आराधित नववनम ब्रजकानन अंते, इधर किया उसमें स्थान मिला, और नाराधित नववनम ब्रजैव दूरे, अगर नववन की सेवा नहीं किया जाए तो ब्रज धाम की सेवा कभी नहीं मिलेगी। आराधित दिजसुत ब्रज नागर अस्ते, अगर दिजसुत की आराधना करते हैं तो कृष्ण उनको नागर के रूप में मिलते हैं। दिजसुत अर्थात दि अर्थात दो, ज अर्थात जन्म, जिनका दो बार जन्म हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र क्या किया, क्षत्रिय कुल को अलंकृत किया। लीला पुरुषोत्तम कृष्णचंद्र गोप कुल को अलंकृत किया, और प्रेम पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण कुल को अलंकृत किया। दि अर्थात दो बार जन्म, पहले माता पिता से जन्म को बायोलॉजिकल बात कहते हैं, इसके बाद जब गुरुदेव से दीक्षा ली उस समय गुरु जी पिता है, गायत्री मंत्र माता है, इसलिए आराधितो दिजसुतो ब्रजनागर अस्ते, अपन महाप्रभु ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। इस ब्राह्मण बालक की सेवा करने पर हमारे ये चरम लक्ष्य, ये
राधा जी के झुकेंगे कृष्ण सेवा, ये आराधित विजयसुत ब्रज नाग रस्ते कृष्ण नागर के रूप में मिलेंगे। अगर नहीं हो नाराधित विजयसुत न तब कृष्ण कृष्ण कभी नहीं मिलेंगे। फिर श्री भारती रस्ते मैंने क्या किया, नवद्वीप धाम की सेवा की, फिर वृंदावन धाम में सेवा की। श्री गुरुदेव कहते हैं कि गौर प्रेम रसारण वे से तरंगे जेबा डूबे से राधा माधव अंतरंग ग्रिय थके बने थके हाथोंग बोले डाके नरोत्तम मागे तार संग। जो नवद्वीप धाम में पंचमेनी में डुबकी लगाएंगे उठेंगे कहाँ, कैसे घाट वृंदावन में। इसलिए महाराज इधर भी सेवा की उधर भी सेवा की। देखो तो महाराज बोले महाराज अवशेष कर दीजिए, मुझे दौर जाकर में जाना है, वैष्णव आदेश पालन करना ही पड़ेगा। तो उसमें जब मैं दिखा रहा था कि ऐसे अनर्थ दूर होगा, फिर निष्ठा रुचि आसक्ति जो मैं बताया 1969 में सन्यास का कारण जो 25 का 2 और 5 जो 7 होता है, इस 7 कहाँ है, भाव भाव का कोई साधन नहीं है, ये कृपा शब्द है। गुरु वैष्णव की सेवा करने पर तब भाव हृदय में प्रकट होगा, इससे पहले नहीं, तभी अष्टम में प्रेम होगा। अब उनका प्रकट तिथि कब है, 2017 में। इसको 2+0+1+7 जब करने पर क्या होता है, 2+0 2+1 3+7 10। इसका तात्पर्य क्या है, मैं क्या शिक्षा दिया हम लोगों को, वैष्णव की सेवा करके कैसे महापुरुष सेवा और जुगल की सेवा प्राप्त किया जा सकता है, ये दिखाया। तो 10 का तात्पर्य क्या, लोग बड़े बड़े भागवत पाठक हैं, भागवत सप्ताह करते हैं, नहीं तो गाँव का गाँव भागवत का भाव भी नहीं जानता। बताया दशमे दशमं लक्ष्यम अस्तित्वस्य विग्रहम श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगत धाम नमामि तत्। भागवत ही पुराण है और भागवत को छोड़ करके और जो सब भी पुराण है, वो पुराणों का 5 केवल है इनका लक्षण। लक्षण भागवत में अप्रसर्ग विसर्ग अस्त स्थान उपसनमुतय ये करके 10 दिखाया। ये 10 में क्या है, भागवत की जो द्वादश स्कंद है, भगवान कृष्ण के एक स्कंद का स्वरूप है। और ये समय संक्षिप्त है, हमें इसलिए मैं श्री भारती गोस्वामी महाराज के चरित्र का घटा के दिखाता, लेकिन क्या करूं वैष्णव का आदेश है। फिर बताया छाया वैष्णव सेवा निस्तार पे से के आदेश पालन न करूं, फिर मेरा भी निस्तार नहीं होगा। इसमें क्या है, केवल भागवत में दशम लक्षण है और दशम का जो भागवत के 12 का स्कंद है उसमें दशमम मुख पद्मम जो मुख कमल है कि ये दशम स्कंद है। किसी को पहचाना कैसे जा सकता है, मुख के द्वारा दूर से आप देख के पहचान सकते हैं, दूर से किसी के बांधे आपको उनका चरण दिखाओ समझ सकते हैं, उनका हाथ दिखा तो समझ सकते हैं, दूर से मुख देख के समझ सकते हैं। क्यों, ये मुख में मुखमंडल में आंख है, आंख सबसे बड़ा आकर्षक है। जब प्रतिदिन जब नर्तक लोग बता रहे थे महाराज ने स्टॉक्स भी करेंगे ये करेंगे ऊंचे ऊंचे सर से, ये देखिए एक बात बता के मैं स्वागत करूंगा जो गुरु से सुना, आंख कैसे सबसे बड़ा आकर्षक है। जब राधा जी के अंदर सखिया श्रृंगार करती, ललिता देवी आंख का काजल लगा रही है, कह रही है हे नयन तुम मुझे अभिजुक कर रहे हो, तुम्हें कलंकित क्यों कर रही हो, कलंक का रंग क्या है, काला काला है, ये अनुराग का वर्ण है, ये अनुराग है। बोले नयन मैं तो तुम्हें कलंकित नहीं कर रही, तुम्हें अलंकित कर रही हूं, तुम भी श्यामरस की सबसे वांछा करती हो और इसी रस का तुम्हें जल्दी से जल्दी सिद्धि होगी। देखो नयन तुम ही तो राघव बाल को मैंने बड़े मछली को पकड़ करके ये सामने के चरण में समर्पण कराओगे। देखो नयन तुम्हारे द्वारा एक प्रथम आकर्षण प्रधान आकर्षण, तुम ही आकर्षण के मूल हो, आकर्षण के केंद्र हो, तुम नहीं रहते आकर्षण रहेगा ही नहीं। चुप,
तो बिथा में मैं का वंदना क्यों कर रही हूँ? देखिए ऐसे ही जो संत हो, गुरु हो, कुछ भी हो, वो मुझे प्यार कर रहे, नहीं कर रहे, हम कैसे समझे? आप देख कर फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, उनके आप देख के समझ सकते हैं। इसलिए ये दशम, ये दशम लक्षण सबसे आकर्षक क्या है? मोह मंडल। और श्री भारती का से माई कैसे का आकर्षण किया दूसरे दिन के लिए? माई कह रहे हैं जब वो बोले मैं तो टोका नहीं, और छठ पर टोकने के लिए तो गोस्वाम का चरण अपराध न करते मैं समाप्त कर। हरे कृष्ण वंशा गोपालिपा तो सुनी तो किया था उनके साथ, हमारा कैसे लेन देन, कैसे ही बोलने वाला था सब। आज मुझे ये दोपहर के बाद मुझे मथुरा गुरु पूर्णिमा की व्यवस्था देखभाल करने के लिए जाना पड़ेगा, फिर जब भव्य सुनाऊंगा आप लोगों को सुनाऊंगा। अब हमारे रूप सनातन गौरी मठ के वार्षिक उत्सव झूलन है जो 11 तारीख से शुरू होकर 15 तारीख तक, और मथुरा में गुरु पूजा 16 तारीख को इधर भी होगा, और मथुरा के बाद सभी उत्सव जन्माष्टमी। सर गुरु जी के संग की ओर से आप सब लोगों को निवेदन करता हूँ, जो इधर रहेंगे इधर गुरु पूजा कीजिए, जो मथुरा ना चाहते मथुरा में आइए, और राधाष्टमी ये रूप गोस्वामी के तीर्थवा इसमें सब आइए वृंदावन में। हरे कृष्ण गौर प्रेमानंदे हरे हरि गौर। गुरुवे गौरचंद्राय नाभिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णु पादाय श्री रूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी के नामिने। नमो विष्णु पादाय श्री कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी के नामिने। नमो विष्णु पादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी के नामिने। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती के नामिने। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा साधि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला परमेश्वर विष्णुपाद अष्टोक श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला परमेश्वर विष्णुपाद अष्टोक श्रीमद भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सपार्श सपरिका श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जय युक्त हूँ। सपार्श सपरिका श्री गौर नित्यानंद प्रभु जय युक्त हूँ। श्री महाराज जी की शुभागन भक्ति की जय युक्त हो। उपस्थित पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत माधव महाराज जी, पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी, श्रीपाद माधव प्रिया प्रभु ब्रह्मचारी वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा जथा जो दंडवत प्रणाम। समय हो गया है बोलने की, बोलने के विषय में प्रभु जी ने कुछ कहा है, मैं अधिक समय नहीं दूंगा। मेरा भाषा का ज्ञान कम है, अल्प है, बुद्धि क्षीण है, विषय को धारण करने की क्षमता भी बहुत अल्प होने के कारण जब मैंने ये सारी बातें सुनी तब मन में पुनः पुनः एक विचार आया। मैं बस उसको बड़े संक्षेप में आपके साथ बांटकर और आगे का जो सब हमारा कार्यक्रम है
उसकी ओर हम लोग बढ़ चलेंगे। आज श्रील महाराज जी की शुभाविर्भाव तिथि है। श्रील भक्तिदेव माधव गोस्वामी महाराज जी ने किसी समय श्रील प्रभुपाद जी से ये प्रश्न किया श्री जगन्नाथपुरी धाम में कि आज श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की तिरुभाव तिथि है, हमारा क्या कर्तव्य है, हम कैसे तिरुभाव तिथि पालन करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा हरि कथा का कीर्तन करो, अनुक्षण हरि कथा के कीर्तन के द्वारा तिथि पालन की व्यवस्था हो। परम गुरु महाराज जी बतलाते हैं कि श्री गुरु पाद पद्म और वैष्णव की तिथि के दिन उनकी वाणी का श्रवण कीर्तन करके तिथि ठीक ठीक रूप में अनुष्ठित होती है। यदि हम वास्तव में तिथि को पालन करना चाहते हैं तो हम गुरु वैष्णव की वाणी के वाणी का श्रवण कीर्तन करें। यदि उनकी वाणी कुछ हृदय में प्रवेश कर जाए और यदि उनकी उस हृदयगत वाणी से हम कुछ अपने हृदय में धारण कर लें, वास्तव में वो तिथि पालन करना हमारा सफल हो जाएगा। मैं श्रील महाराज जी की बस एक दो बात बतलाना चाहता हूँ और विशेषकर परम गुरु महाराज जी एक बात बतलाया करते थे कि शिक्षा गुरु किसको कहते हैं, शिक्षा गुरु वास्तव में कौन है। परम गुरु जी कहते जो दीक्षा गुरु की सेवा की शिक्षा देते हैं वो वास्तव में शिक्षा गुरु है। जो दीक्षा गुरु के विचार को हृदय में स्फुरित करते, जो दीक्षा गुरु के विचार को हृदय में प्रकाशित करते, जो दीक्षा गुरु के विचार को हृदय में स्फुरित करते वो वास्तव में शिक्षा गुरु है। अन्यथा शिक्षा गुरु को किस रूप में स्वीकार कर किया जाएगा ये प्रश्न चिन्ह है। परम गुरु जी ने शिक्षा गुरु की बड़ी अद्भुत उपमा दी है, जो दीक्षा गुरु की सेवा की शिक्षा दे दे, जो दीक्षा गुरु के विचार को हृदय में स्फुरित कर दे। शिला महाराज जी के श्री चरणों में जिस परिमाण में हम कृतज्ञ हैं उसको भाषा से वर्णन नहीं किया जा सकता। ये भाव राज्य की बातें हैं, सबने अपना अपना कुछ अनुभव किया होगा। मैं बस कुछ एक बात बतलाना चाहता हूँ। विशेषकर उन्होंने एक समय एक बात कही, वो कह रहे हैं यू आर परफॉर्मिंग ऑल ड्यूटी सर्विसेज ऑफ द लॉर्ड बाय ऑल वेज इन ऑल रिस्पेक्ट्स। हम ठाकुर जी की सब प्रकार की सेवा कर रहे हैं सब प्रकार से, किंतु श्री महाराज जी कहते हैं बट द रिजल्ट मस्ट बी प्योर अटेंशन टू द हरि कथा। यदि हम ठीक ठीक रूप में कृष्ण की सेवा कर रहे हैं उसका फल क्या है, कैसे अनुमान लगाएंगे कि हम वास्तव में सेवा कर रहे हैं और कृष्ण वास्तव में हमारी सेवा ग्रहण कर रहे हैं अथवा गुरु वैष्णव हमारी सेवा को ग्रहण कर रहे हैं, ये कैसे अनुमान लगाएंगे। श्रील महाराज जी कहते हैं प्योर अटेंशन टू द हरि कथा, केवल अटेंशन नहीं प्योर अटेंशन हो, ठीक ठीक रूप में हरि कथा को सुनने के लिए हृदय में लोभ हो। यदि ये लोभ है, प्योर अटेंशन है हरि कथा को सुनने में, तब हम समझ सकते हैं कि हाँ हमारा सेवा का जो पथ है वो परिष्कृत हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। श्री महाराज जी कहते हैं इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड और इफ यू डोंट हैव एनी टेस्ट इन लिसनिंग हरि कथा देन योर ऑल अटेम्प्ट्स विल फेल, इट विल बियर नो फ्रूट्स। हम हरि कथा सुनने में हमारी रुचि नहीं है, हरि कथा को सुनने के लिए हमारे हृदय में लोभ नहीं है, तो वो कहते सब कुछ करके भी वो सब विफल हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में बताया गया है धर्म सोनिष्ठता पुंसाम विश्वसेन कथा सुया नो उत्पादित यदि रतिम श्रम एक ही केवलम। सब कुछ करके भी कथा में यदि रुचि उत्पन्न नहीं हुई तो सब कुछ क्या है, श्रम है। तो इसलिए जो कुछ हम सुन रहे हैं उसके प्रति हमारी रुचि, उसको धारण करने के लिए हमारा लोभ ठीक ठीक रूप में यदि हृदय में हो रहा है तब वास्तव में तिथि अनुष्ठित करना हमारा सफल है। हम लोगों ने बार बार एक बात को सुना कि हम लोग बहुत सारे पूजनीय वैष्णवों ने अपने अपने अनुभव बतलाए, गुरुदेव की सेवा की, श्रीला महाराज जी की सेवा की। श्रीला महाराज जी का एक विचार बार बार मेरे मन में बार बार उठ रहा था। अपनी हरि कथा में श्रीला महाराज जी ने एक समय एक बात कही और जिस बात ने वास्तव में, यदि मैं शिक्षा गुरु की जिस बात को हम कह रहे हैं, जिस बात ने वास्तव में व्यक्तिगत रूप से मेरे नेत्र खोल दिए, मेरी भ्रांत धारणाओं को दूर कर दिया और जिस कारण से हमारी उनके चरणों में
बद्ध अवस्था अनर्थ युक्त अवस्था होने पर भी जो कुछ यथकिंचित रतिमति हुई उनके उन विचारों ने जिस प्रकार से हमको आकर्षित किया उनके विचारों ने श्री गुरुपाद पद्म के हमारी प्रति हमारी जिस भावना को जागृत किया श्री गुरु दर्शन के प्रति जो हमारे विचार है उसको जिस प्रकार से उन्होंने मार्जित किया वो वास्तव में ही शिक्षा गुरु पदवाच्य है वो वास्तव में ही दीक्षा गुरु पाद पद्म से अभिन्न है ये केवल शब्द मात्र नहीं है इन शब्दों के पीछे एक भावना है मैं इसको बतलाता हूँ आपको सुनेंगे श्रीधर महाराज जी ने अपनी हरिकथा में एक बात कही वो कहते हैं वी रीड इन शास्त्र द लैंड ऑफ वृंदावन इज चिंतामणि हम शास्त्रों में पढ़ते हैं वृंदावन धाम क्या है श्रीधर भारती गोस्वामी महाराज जी बतला रहे हैं यदि इस एक वचन को भी हम समझ लें उनकी इस एक संक्षिप्त सी बात को भी यदि हम समझ लें मैं समझता हूँ वास्तव में गुरु दर्शन के प्रति जो हमारे विचार हैं वो ठीक ठीक रूप में परिष्कृत हो जाएंगे श्रीधर महाराज जी बतला रहे हैं विधिरीन शास्त्र द लैंड ऑफ वृंदावन इज चिंतामणि वृंदावन धाम क्या है वो चिंतामणि है द काउज आर काम धेनु वहां पर जो गाय है वो काम धेनु है ऑल ट्रीज आर कल्पवृक्ष जितने भी वृक्ष हैं वो सब क्या है कल्पवृक्ष कहते वॉट एवर एनी वन डिजायर ही विल गेट बट हैव वी एक्सपीरियंस दिस वृंदावन का जो धाम है वो चिंतामणि है जो भूमि वो चिंतामणि जो गैया है वो काम धेनु है जो वृक्ष है वो कल्प वृक्ष है कोई वृंदावन में रहकर जो भी इच्छा करे ये उसको पूरा करने में सक्षम है श्रीधर महाराज जी कह रहे हैं उसको पूरा करने में सक्षम है किंतु क्या हमने इसका अनुभव किया क्या हमने इसका अनुभव किया श्रीधर महाराज जी कहते हैं मैं संक्षेप में बतला देता हूं क्योंकि ये बड़ा विस्तृत प्रसंग है श्रीधर महाराज जी कह रहे हैं बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि हम वृंदावन में रहते हैं हम बहुत वर्षों से वृंदावन में निवास कर रहे हैं किंतु श्रीधर महाराज जी कह रहे हैं वास्तव में क्या उनका वृंदावन में निवास हो रहा है ये प्रश्न है उसके पश्चात श्रीधर महाराज जी ने नरोत्तम दास ठाकुर जी की एक बात बतलाई नरोत्तम दास ठाकुर जी कीर्तन में कहते हैं कबे हाम हे रवो श्री वृंदावन मैं कब वृंदावन का दर्शन करूंगा मेरा कब सौभाग्य होगा कि मैं वृंदावन का दर्शन करूंगा श्रीधर महाराज जी कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी ने वृंदावन का दर्शन नहीं किया श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी तो वृंदावन में श्री जी गोस्वामी जी के पास में रहे उन्होंने श्री जी गोस्वामी जी के अनुगत्य में सब शास्त्रों का अध्ययन किया ब्रजमंडल की परिक्रमा की किंतु फिर नरोत्तम दास ठाकुर जी इस बात को क्यों कह रहे हैं कभी हाँ हे रवो श्री वृंदावन क्या नरोत्तम दास ठाकुर जी ने वृंदावन का दर्शन नहीं किया श्रीधर महाराज जी कहते वास्तव में नरोत्तम दास ठाकुर जी ये आदर्श और ये शिक्षा दे आदर्श के द्वारा ये शिक्षा दे रहे हैं वृंदावन दर्शन करने के लिए योग्यता की आवश्यकता है बिना योग्यता के वृंदावन का दर्शन नहीं होगा योग्यता क्या है श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर तब मेरा ऐसा दिन आएगा जब केवल गौरांग नाम उच्चारण करने मात्र से मेरे शरीर में पुलक हो जाएगा हरी हरी बोली दे नयने बहबेरी जब मैं हरी हरी उच्चारण करूंगा मेरे नेत्रों से अश्रुपात होने लगेंगे और आर कभे निताई चांदे करुणा होई वे तब ऐसा दिन आएगा जब नित्यानंद प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे और विषय वासना मोर कभे तुच्छ होवे नित्यानंद प्रभु की कृपा से मेरी सारी विषय वासना दूर हो जाएंगी और जब वास्तव में विषय छाड़िया कभे शुद्ध होवे मन तबे हाम हे रहो श्री वृंदावन और कब सारे विषयों से मेरा चित्त मुक्त हो जाएगा जिस दिन ऐसी योग्यता आ जाएगी उस दिन वास्तव में वृंदावन का दर्शन होगा उससे पहले जो कुछ है वो सब क्या है श्रीधर महाराज जी कह रहे प्रैक्टिस है वृंदावन धाम दर्शन करने की प्रैक्टिस है मन में इस बात को सुनकर के विचार आया श्री गुरु दर्शन के भक्ति भी तो यही विचार है श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने बाबा जी महाराज का प्रथम दर्शन किया स्वानंद सुगम कुंज गोत्रुम धाम में बाबा जी महाराज कीर्तन कर रहे थे गोथाए वो प्रेममयी राधे एक दर्शन मात्र से श्रीला प्रभुपाद जी का चित्त ऐसा आकर्षित हो गया बाबा जी महाराज के प्रति कि यदि आश्रय ग्रहण करूंगा इनका ही आश्रय ग्रहण करूंगा यदि इनका आश्रय नहीं मिलेगा प्राण त्याग कर दूंगा चांद्रायण व्रत करना आरंभ कर दिया चंद्र की कलाओं के साथ साथ अपने भोजन को घटाना आरंभ कर दिया ऐसा अनुराग हो गया परम गुरु महाराज जी हमारे गुरु जी कहते थे प्रभुपाद नाम उच्चारण नहीं कर पाते थे क्यों उन्होंने वास्तव गुरु दर्शन किया था वो योग्य थे गुरु दर्शन करने में तो जब मैं देखता हूं क्या हमने श्रीला महाराज जी का जो दर्शन किया वो वास्तव दर्शन था श्रीला गुरुपाद पद्म का जो दर्शन किया वो वास्तव दर्शन था तो मैं उस योग्यता के अभाव में मन में विचार करता हूं कि मैं तो
वास्तव दर्शन नहीं कर पाया, हम तो गुरु का वास्तव दर्शन नहीं कर सके। गुरु का दर्शन करने के लिए तो योग्यता की आवश्यकता है, उस योग्यता के अभाव में मैंने जिस वस्तु का संग किया, क्या वो वास्तव दर्शन था? क्या वो शिला महाराज जी का वास्तव दर्शन था? क्या वो शिला गुरु पाद पद्म का वास्तव दर्शन था? बहुत दिन मन में एक धारणा थी, गुरु ग्रह में रहने का सौभाग्य मिला, मन में एक धारणा थी गुरु जी के निकट रहने, मन में एक धारणा थी हम महाराज जी के निकट में रहे, किंतु सब समय इस विचार को हृदय में पुष्ट करके रखा वैष्णव की कृपा से कि मैं अनर्थ युक्त जीव हूँ, गुरु पाद पद्म मुक्त है, शिला महाराज जी मुक्त है, मैं उनकी सेवा करने के योग्य नहीं हूँ। उन्होंने कृपा पूर्वक मेरी सेवा को ग्रहण कर लिया, ये एक विचार मन में पुष्ट था, मैंने सेवा नहीं की, उन्होंने मेरी सेवा को ग्रहण कर लिया, किंतु श्री महाराज जी के इस वचन ने नेत्रों को खोल दिया, प्रकाश दे दिया। अभी बतला रहे थे ना भारतीय शब्द की व्याख्या ही क्या है, प्रकाश दे दिया। श्री महाराज जी ने अपना उदाहरण बतलाया, कभी नवदीप धाम की परिक्रमा में वो श्रीमद महाप्रभु जी को उठाने की सेवा में, हाथ में लेकर चलने की सेवा में युक्त थे, और जब एक स्थान पर बैठने का सुयोग हुआ, अवसर आया, यहाँ बैठकर हरि कथा होगी, शिला महाराज जी महाप्रभु जी को अपने हाथ में लेकर बैठने में संकुचित हो रहे थे, वैष्णवों के आगे बैठने में, तब उनके गुरु पाद पद्म शिला भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी ने इस बात को कहा कि अरे गरुड़ तो ऊपर में रहकर सेवा करते हैं, छाव करते हैं, जब कृष्ण चलते हैं गरुड़ तो ऊपर में रहकर सेवा करते हैं, हनुमान जी चरण दबाकर सेवा करते हैं, यशोदा मैया कृष्ण का कान मल के सेवा करती है, और गोपियां वो कृष्ण से चरण दबवाकर सेवा करते हैं, इसलिए सेवा को गुरु तो देना। महाराज जी इस बात को सुन करके बैठे और इस बात ने ऐसे नेत्र खोल दिए, हम मन में विचार कर रहे, मैंने गुरु की सेवा की, मेरे जैसा व्यक्ति मैंने गुरु की सेवा की, किंतु वास्तव में गुरु पाद पद्म ने मेरी सेवा को ग्रहण करके उल्टे मेरी सेवा कर ली, मैं क्या सेवा कर पाऊंगा गुरु पाद पद्म की, मेरे जैसा जीव क्या सेवा करेगा गुरु की, मेरे जैसा जीव क्या दर्शन करेगा गुरु का, गुरु ने कृपा पूर्वक मेरी सेवा को ग्रहण करके मेरी सेवा कर दी। इस एक वचन ने श्री गुरु पाद पद्म के प्रति हमारी भावना को संपूर्ण रूप में परिवर्तित कर दिया, ये वास्तव में शिक्षा गुरु का कार्य है। जिस दिन इस बात को सुना उस दिन वास्तव में अनुभव हुआ, यत्किंचित अभी बहुत अनर्थ ग्रस्त अवस्था है, बड़े अनर्थ है मेरे, बड़े अनर्थ, किंतु जिस दिन इसे एक बात को सुना उस दिन एक ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि वास्तव में शिक्षा गुरु जो परम गुरु पाद पद्म कह रहे हैं, वास्तव में शिक्षा गुरु किसको कहते हैं, जो दीक्षा गुरु के विचार को हृदय में पुष्ट कर दे, जो दीक्षा गुरु का दर्शन करा दे, उसको शिक्षा गुरु कहते हैं। तो मेरा तो दर्शन नहीं हुआ, सेवा तो मैं क्या करूंगा, गुरु पाद पद्म ने सेवा को ग्रहण करके हमारी सेवा कर दी, तो हृदय में और बार 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 ये प्रार्थना निकलने लगी कि प्रभु हम आपकी क्या सेवा करेंगे, अब ये योग्यता आ जाए, आप ऐसी दया कीजिए कि कुछ योग्यता ऐसी आ जाए तो वास्तव में आपका दर्शन हो सके। आपने जो दर्शन दिया वो संपूर्ण दर्शन नहीं है आपका, ये श्रीला महाराज जी का संपूर्ण दर्शन नहीं है, इस दर्शन में बहुत वैभव छुपा है, इस दर्शन में बहुत माधुर्य छुपा है, जिस माधुर्य का श्रीला प्रभुपाद जी ने दर्शन किया बाबा जी महाराज की महिमा का, इसलिए वो व्याकुल हो गए, मैं इनका ही आश्रय ग्रहण करूंगा, तो हमने तो आश्रय नहीं ग्रहण किया, क्यों, क्योंकि गुरु पाद पद्म की उस महिमा का भी अनुभव नहीं हुआ, इसलिए पुनः पुनः आज उनके आविर्भाव तिथि पर परम गुरु जी जैसा कहते ना श्रीला प्रभुपाद के आविर्भाव तिथि पर उनके तिरोभाव की बात स्मरण हो रही है, इसलिए गुरु श्रीला महाराज जी की आविर्भाव तिथि पर उनके तिरोभाव की बात स्मरण हो रही है, वो पुनः प्रकट हो जाए, कैसे प्रकट हो जाए, ऐसे प्रकट हो जाए कि फिर उनके वास्तव दर्शन में मेरी अयोग्यता बाधा ना दे, मैं उनका वास्तव दर्शन कर सकूं, मेरी अयोग्यता बाधा ना दे। आज उनके श्री चरणों में बहुत कुछ कहने के लिए हृदय में विचार उमड़ रहे थे, विषय ही ऐसा है, गुरु पाद पद्म की चर्चा हो, श्रीला सरस्वती ठाकुर की चर्चा हो, उनके गणों की चर्चा हो, श्रीला महाराज जी की चर्चा हो, ऐसा प्रसंग है, इच्छा होती है बस कहते जाए कहते जाए कहते जाए, ये समय थम जाए कहीं, ये समय रुक जाए कहीं, और कहते रहे ऐसा प्रसंग है, और सुनते रहे वास्तव महिमा को, सुनते रहे केवल कहे नहीं, उस वास्तव महिमा को सुनते रहे, कैसा अद्भुत आदर्श को वैष्णव सेवा का दिखला गए, तब हमारी गतिमती हो जाएगी ऐसी वैष्णव सेवा करने में, कैसे धैर्य के साथ उन्होंने सेवाएं की थी, श्रीला प्रभुपाद जी के जो गण किसी की भी सेवा ग्रहण नहीं करना चाहते थे, श्रीला कृष्णदास बाबा जी महाराज जो किसी की सेवा ग्रहण नहीं करते थे, उन्होंने अपनी सेवाओं से उनको भी संतुष्ट कर दिया, और बाबा जी महाराज कहते थे नहीं आप जब सेवा करते हो मैं बहुत अनुकूल अनुभव करता हूँ, ऐसी उनकी वैष्णव सेवा की वृत्ति थी, तब उसका छीटा कूटा मेरे हृदय में आ जाएगा, ऐसी व्याकुलता हृदय में आ जाती है, इसी प्रकार से भी उनके उस आदर्श का
उनके उस वास्तव दर्शन को करने के लिए हृदय में जो कह कहा जाए, ये आज उनके श्री चरणों में हमारी बार 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 प्रार्थना है। गौर रमानंदे हरि। लोग प्रातः काल से प्राय 2-2.5 घंटे से बहुत सारे भक्तों के मुख से कथा श्रवण कर रहे हैं और हम सबका परम सौभाग्य है वास्तविक रूप में जो ये आयोजन इत्यादि किया है इसमें हमारे ये सफलता का ही सूचक है कि इतने सारे वैष्णव विशेष करके हमारे गौरशिला गुरुदेव का पुनः पुनः स्मरण कराने वाले भक्त लोग हमारे श्रीपाद माधव महाराज जी, श्रीपाद श्रीधर महाराज जी यहाँ पर उपस्थित हैं। इसीलिए हम सभी विशेष करके मैं तो अपने हृदय में इसी प्रकार से अनुभव करता हूँ कि मैं आज की तिथि के लिए क्या कहना, सब समय के लिए ही श्रीपाद माधव महाराज जी, श्रीपाद प्रेमानंद प्रभु, श्रीपाद पन महाराज हमारे, श्रीपाद श्रीधर महाराज जी, श्रीपाद तीर्थ महाराज, ये ऐसे वाले भक्त लोग हैं 5 और 6 जो सब समय श्रील गुरुदेव सेवा में नियुक्त रहते हैं। जब से देखा तब से लेकर के अभी तक सब समय ही वही देखता हूँ और इन लोगों ने, मैं माता महाराज जी को आसुर भी बोल रहा था कि आप लोगों ने हम लोगों को हमारे सिद्धांति महाराज जी को और मुझे भी, हम लोग दोनों प्राय एक ही साथ में गए थे वृंदावन में भी और फिर मठ में भी श्री गुरुदेव के पास में। उसी समय पहले वृंदावन में श्रीधर महाराज जी से, मथुरा में माधव महाराज, प्रेमानंद प्रभु इत्यादि से हम लोगों ने वास्तविक रूप में बहुत प्रकार का जो सेवा का परिपाटी, शिक्षा इत्यादि सब समय प्राप्त किया है और सभी ने विशेष करके श्रीपद माधव महाराज और श्रीपद प्रेमानंद प्रभु मथुरा में रहते समय और फिर जब वृंदावन में कुछ समय रहने का हुआ सुयोग, वहां पर श्रीला श्रीधर महाराज जी ने हम लोगों की बहुत सारी भूलों को देख करके भी उसको सब समय इग्नोर किया और उत्साह ही सब समय प्रदान किया गुरुदेव की सेवा का, अपनी कथाओं के माध्यम से भी, वचन के द्वारा भी, अपने व्यवहार के द्वारा भी। इसीलिए उनको आज यहाँ पर उपस्थित देख करके एक वास्तविक रूप में बहुत अधिक आनंद की ही प्राप्ति हो रही है और जन्म जन्मांतर ही उनके लिए हम लोग ऋणी हैं सब प्रकार से, सब चीज के लिए। उनके चरणों में मेरा पुनः पुनः दंडवत प्रणाम। श्रील महाराज जी की आविर्भाव तिथि में बहुत सारे वैष्णव लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम लोगों ने किसी भी जो बाहर के साधारण व्यक्ति जन्माष्टमी इत्यादि या फिर पिछले वर्ष गुरु पूर्णिमा के समय में भी आते थे, किसी को भी उस प्रकार से निमंत्रण नहीं दिया। केवल समस्त वैष्णव जन यहाँ पर उपस्थित हैं और बहुत सारे
चंडीगढ़ से आए हैं, हमारी शशिकला दीदी हैं, वृंदावन से आई हैं, इधर सुंदर गोपाल प्रभु हैं, जयपुर से आए हैं, पूनम दीदी इत्यादि भी यहाँ पर हैं। ये सभी लोग भी बहुत सारी बातें शिला महाराज जी की चंडीगढ़ के भक्त लोग विशेष करके, और हमारे यहाँ पर बीना दीदी हैं, बहुत समय इनको देखता था महाराज जी से आना जाना, कथा इत्यादि सुनना, जो कि इनकी माता जी हैं। तो इन लोगों को देख करके हमारे प्रेमदास प्रभु पीछे हैं बैठे हुए हैं, बहुत सारे भक्त लोग हैं जो कथा कीर्तन इत्यादि महाराज जी के विषय में वास्तविक रूप में अच्छी तरह से कर सकते हैं, किंतु हम लोग, मैं उन सभी से क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि अभी तो संभव नहीं है, संध्या के समय में हम लोग आप लोगों से शिला महाराज जी की कथाओं को श्रवण करेंगे, और क्योंकि हमारे महाराज जी को मथुरा इधर महाराज जी की रथ यात्रा है, किंतु तब भी उन्होंने बड़े ही सरल रूप में, कल सिर्फ सुंदर गोपाल प्रभु और मैं एक मिनट बात कर रहे थे कि महाराज जी यहीं पर ही हैं नोएडा में, हम उनको देखते हैं अगर आ सकते हैं तो बुला लेते हैं, हमने एक मिनट ही उनको कहा और उन्होंने बड़े सरल रूप में सहर्ष स्वीकार कर दिया कि हाँ महाराज जी की तिथि है, मैं आ जाऊँगा। तो इसीलिए महाराज जी आ गए, अभी उनको जाना भी है और कार्यक्रम इतनी व्यस्तता, और इनको सब समय इसी प्रकार से व्यस्तता में ही देखा जब से मठ में आए, सब समय ही, और कभी आज तक मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उनको कभी थके हुए भी देखा हो, कि वो थके हुए हैं सारा दिन सब समय सेवाएं करके भी। रात को 2 बजे भले वृंदावन आते थे, कभी भागवत करके 12 बजे आना, कभी 2 बजे भी पहुंचना, किंतु प्रातःकाल मंगल आरती में भी फिर वो सब समय मिलेंगे ही मिलेंगे और एवर फ्रेश ही दिखाई देंगे। तो इसीलिए इनको और देरी मैं किसी भी तरह से करना नहीं चाहता, नहीं तो मेरा सचमुच में दोषी होगा। यहीं पर ही कथा को विश्राम देते हैं, संध्या के समय में हम और कथाओं को श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। हरे कृष्ण
हरे कृष्ण Thank you.
I'm gonna make it.
I'm
Yeah.